नहीं जानता हुआ आत्म को वह अनात्म भी नहीं जाने। कैसे हो वह सम्यक दृष्टि जो जड़ चेतन नहीं जाने। आत्मा में जो अपद भूत उन द्रव्य भाव का कर परित्याग। जो स्वभाव से प्राप्त योग्य तुम ग्रहण करो फिर एक स्वभाव। मति श्रुत अवधि मन पर्याय अर केवल सभी एक पद है। वही ज्ञान पद परमार्थ है जिसको पाकर मुक्ति लहे। बहुत जीव है रहित ज्ञान गुण से इस पद को पान सके। निश्चित ही तुम ग्रहण करो यह यदि दुख से मुक्ति चाहो। इसमें ही रति करो सदा तुम इसमें ही संतुष्ट रहो। इसमें ही तुम तृप्त रहो जिससे उत्तम सुख हो तुमको। कभी परिग्रह यदि मेरा हो तो अजीव मैं हो जाऊं। तो मेरा है पर पदार्थ यह कहो कौन ज्ञानी कहते। आत्मा ही है मेरा परिग्रह ऐसा जो निश्चित जाने। क्योंकि मात्र ज्ञाता हूँ मैं तो अतः परिग्रह नहीं मेरा। छिद जाए या भिद जाए कोई ले जाए या हो या विनष्ट। चाहे जैसे भी जाए पर परिग्रह मेरा नहीं अरे। अपरिग्रही अनिच्छुक होते ज्ञानी धर्म नहीं चाहे। अतः धर्म का नहीं परिग्रह मात्र धर्म के ज्ञायक हैं। अपरिग्रही अनिच्छुक है ज्ञानी अधर्म को नहीं चाहे। नहीं परिग्रह है अधर्म का वे अधर्म के ज्ञायक हैं। अपरिग्रही अनिच्छुक होते ज्ञानी भोजन नहीं चाहे। नहीं परिग्रह है भोजन का वे तो बस ज्ञाता रहते। अपरिग्रही अनिच्छुक होते ज्ञानी पेय नहीं चाहे। नहीं परिग्रह उन्हें पेय का वे तो बस ज्ञाता रहते। ज्ञानी नहीं चाहते और अनेक भांति के सभी विभाव। वे सर्वत्र निरालंबी है नियत एक बस ज्ञायक भाव। वर्तमान में भोग उदय का हेय बुद्धि से होता है। भावी कर्म विपाक भोग की वांछा ज्ञानी नहीं करे। वेदक एवं वेद्य भाव दोनों क्षण क्षण में हो या विनष्ट। इसे जानते हैं ज्ञानी इसलिए उभय की वांछा नष्ट। बंद रूप भोग निमित्त संसार देह संबंधी जो। अत्यवसानों से उदयों में रागन होता ज्ञानी को। कर्म मध्य रह कर भी ज्ञानी सब द्रव्यों में राग तजे। कर्म रजों से लिप्त न होता यथा स्वर्ण है कर्दम में। कर्म मध्य है अज्ञानी पर द्रव्यों के प्रति रागी है। कर्म रजों से लिप्त हो यजो लोहा रहता कर्दम मध्य। जैसे शंख सचित अचित
और मिश्र सबको भोगे। किंतु शंख का श्वेत वर्ण कोई न कृष्ण कर सकता है। वैसे विविध सचित्ता चित और मिश्र सब द्रव्यों को ज्ञानी भोगे, किंतु न कोई अज्ञानी कर सके उसे। जब वह शंख स्वयं ही अपने श्वेत भाव का त्याग करे, शुक्लपने को छोड़ स्वयं वह कृष्ण भाव को प्राप्त करे। वैसे ही जब ज्ञानी अपने ज्ञान भाव को स्वयं तजे, परिणमता ज्ञान भाव में अज्ञानीपन प्राप्त करे। आजीविका हेतु कोई नर रप की सेवा करता है, तो राजा भी सुखदायक बहु भोग पुरुष को देता है। वैसे ही यह जीव पुरुष सुख हेतु कर्म रज को सेवे, कर्म धूल भी सुखदायक बहु भोग जीव को दे देवे। आजीविका हेतु यदि वह नर नृप की सेवा नहीं करे, तो राजा भी सुखद भोग बहु विद उस नर को नहीं देवे। इसी तरह ज्ञानी विषयों के लिए कर्म रज नहीं सेवे, कर्म धूली भी सुखदायक बहु भोग जीव को नहीं देवे। इसी तरह ज्ञानी विषयों के लिए कर्म रज नहीं सेवे, कर्म धूली भी सुखदायक बहु भोग जीव को नहीं देवे। सम्यक दृष्टि है निशंक इसलिए सदा निर्भय रहते, सत भयों से मुक्त हुए इसलिए निशंकित वे रहते। कर्म बंध संबंधी मोह जनक चारों प्रत्यय छेदे, वह चेतयता निशंकित उसको सम्यक दृष्टि जानो। कर्म फलों और सर्व धर्म की जो नहीं करते अभिलाषा, वह चिन्मूर्ति करे न कांक्षा सम्यक दृष्टि उसे जानो। जो चेतयिता सर्व धर्म में नहीं जुगुप्सा कभी करे, वह चिन्मूर्ति निर्विचिकित्सक सम्यक दृष्टि उसे जाने। जो चेतयिता मूढ़ नहीं है सत्य दृष्टि सब भावों में, वह मूढ़ दृष्टि आत्मा है सम्यक दृष्टि उसे जाने। सिद्ध भक्ति संयुत है जो गोपन करते सब धर्मों का, उपगुहन करता चेतयिता सम्यक दृष्टि उसे जानो। जो उन मार्ग गमन करते निज को जिन पथ में युक्त करे, स्थितिकरण सहित चिन्मूर्ति सम्यक दृष्टि उसे जानो। जो शिव पथ में रत हाँ भाई साहब संतोष जी हाँ शुरू करते हैं जी। हाँ जी, वंदितु सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोवमं गतिं पत्ते, गोच्छामि समय पाहुड़ मिडमो सुध केवली बणिदम, नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते
चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छदे वीतरागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम वक्षे समय सारस वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम सिद्धम भवानव वितारकमीहितार्थम प्रध्वस्त संशयमशेष जगदितार्थम प्रद्योतिताखिल मलम प्रणिपात्य वीरम वक्षे परम समय सार मनंत वीरम। हाँ भैया राकेश जय जिनेन्द्र शुरू करिए साहब। भाई साहब जय जिनेन्द्र शुरू करिए जी। समय सार परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। समय सार की निर्जरा अधिकार की चर्चा यहाँ चल रही है, अंतिम पड़ाव में है। आठ अंगों की चर्चा के अंतर्गत निशंकित अंग में सप्त भयों की चर्चा, सप्त भयों के अभाव की चर्चा, सप्त भयों भय कैसे सम्यक दृष्टि को नहीं होते हैं उसकी चर्चा, निर्भयता की जहां बात चल रही है उसी प्रसंग में एक हमारे मुमुक्षु समाज के गौरव अत्यंत निर्भयी व्यक्तित्व आदरणीय पवन जी भाई साहब, जिनके नाम से मंगलायतन जाना जाता है अथवा मंगलायतन से जो मुमुक्षु समाज में गौरवान्वित हुए, ऐसे हमारे पवन जी भाई साहब वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके साथ में मुझे 7.5 साल बल्कि 8 साल भी कह सकते हैं, 8 साल तक उनके साथ में रहने का मौका मिला। मंगलायतन से भी जुड़ा रहा, मंगलायतन यूनिवर्सिटी से भी मैं उनके साथ में जुड़ा रहा और बहुत बहुत मतलब अत्यंत घनिष्ठता के साथ में स्वाध्याय में कहें, रीति नीति में कहें, मंगलायतन में जो आदिनाथ विद्या निकेतन संचालित है उसका प्रथम प्राचार्य मुझे बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इसलिए बिल्कुल शुरू से ही जो पहला पत्थर रखा जाता है ना, जैसे तब से आदिनाथ विद्या निकेतन, जब से मैं जुड़ा हूँ, जब यहाँ पर इसका विद्या निकेतन की बिल्डिंग का शिलान्यास भी नहीं हुआ था, मैंने विद्यालय चालू कर दिया था, मंग पंच कल्याणक के बाद में विद्यालय चालू कर दिया था, सब बच्चों को जो है वहाँ डीपीएस की बिल्डिंग में वहाँ ठहराया था, वहां से आना जाना बच्चे करते थे, यहाँ पर हम मतलब कुछ भी नहीं था। मेरे को जो है एक ऑफिस के सामने एक छोटा सा कमरा मिला था, वहां हम रहते थे और एक छोटे से कमरे में 10x10 के कमरे में हमने कम से कम 6-8 महीने गुजारे वहां पर। और जो भी हुआ बहुत मतलब आत्मीयता के साथ में और बहुत ही पवन जी के का व्यक्तित्व जो है बड़ा ऐसा माना जाता रहा कि वो थोड़े कठोर प्रशासक हैं, लेकिन मेरे को तो जो है वो अत्यंत सहृदय व्यक्तित्व लगे और मुझे उनसे कभी डर नहीं लगा, कभी नहीं कभी नहीं। मतलब ये भी कह सकते हैं कि वो स्वभावगत बात हो, सब लोग डरते भी थे लेकिन मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ। और उनके किचन कैबिनेट तक के हमारी अंदर पहुंच थी, कभी हमको जाना होता था उनके यहाँ मिलने के लिए तो कोई रोक टोक नहीं थी, कोई पूछताछ नहीं, सीधे बेडरूम में घुसते थे हम। जब यहाँ पर रहते थे शहर में अलीगढ़ में तब भी ऐसे ही हाल थे और जब मंगलायतन में रहने लगे तब भी ऐसे ही हाल रहे। और क्या बताऊं, बहुत सैकड़ों बार उनके साथ में भोजन करने का मौका आया और 10-5 बार तो हमने भी कराया। और इतने आत्मीयता के साथ में, कोई भी
चीज बनाते थे तो वो इतना उसका स्वाद लेकर के और उसकी प्रशंसा करना, वाह बहन जी आपने तो क्या बात, मतलब ऐसे उनकी उनका जो वो था, पता नहीं मेरे को जो है आज उनके जाने के बाद में एक ऐसी बिल्कुल अनुभूति हो रही है कि जैसे मेरे हाथ मेरे सर से एक पिताजी तो हमारे 7-8 साल पहले गुजर गए, माताजी पिछले साल गुजरी, आज ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़ा भाई हमारे साथ में नहीं रहा। मुझे तो बड़े भाई की अनुभूति है, लेकिन मैं यदि पूरे समूचु समाज की तरफ से बात करूं तो पूरे समूचु समाज में एक उनकी एक अलग पहचान थी, उनका एक रुतबा था। कोई संकट में मुमुक्षु समाज कहीं से भी कोई आ जाए, वो जो है हर संकट के निवारक बनते थे। विगत दिनों में योगेश जी भाई साहब पे जो संकट आया था उसके भी उनके भी वो उनका पूरा वरद हस्त उनको था योगेश जी को, और उनका संरक्षण बहुत था और हर बात की सलाह है, कैसी भी बात कहें। पीछे के जो अभी उनके मैं तो उनको 20 साल से जान रहा हूँ, 2000 से हमारा उनका परिचय है, लेकिन उनको मैंने बहुत अच्छा स्वाध्यायी देखा है, बहुत अच्छा स्वाध्यायी और बहुत अच्छा जिज्ञासु व्यक्तित्व भी उनके अंदर में देखा है। मतलब कोई बात के लिए यदि उनको पूछना है तो आधी रात को उनका फोन आ जाता था, अरे यार राकेश मेरे को ये बात ये शब्द नहीं समझ में आ रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही, मतलब कुछ भी आप समझो, तो ऐसा उनका वो व्यक्तित्व था और जिज्ञासुपना भी बहुत था और बात जल्दी मानते नहीं थे। जब तक के उसकी तह में नहीं चले जाएंगे, तत्व ज्ञान में भी और लौकिक क्षेत्र में भी, जब तक उसकी तह में नहीं चले जाएंगे वो कोई जो है फाइनल अपना डिसीजन नहीं लेते थे। ऐसे विगत दिनों में तो हमारी कल्पना बेन सालों से वहां पर उनको धवला की उनकी वाचना चल रही है, मतलब उन्होंने अध्यात्म तो पिया है, गुरुदेव श्री को उन्होंने जिया है, लेकिन अंत अंत में उनको धवला प्रेम भी, उनका आगम के प्रति भी उनका प्रेम उमड़ा और विगत दिनों से जो है ऐसी क्लास चल रही है जोरदार। मैंने उनकी क्लास से हमारे जेपी दोषी जी जो हैं सब छोड़ छाड़ करके उनके साथ में जुड़ गए हैं। मतलब आप सोचो कि वो एक बड़ा आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व था जो आज हमारी समाज में हमारे साथ में नहीं रहा, उनकी जो है बहुत कमी खलेगी मुमुक्षु समाज को, एक वज्र आघात के समान हुआ है, लेकिन क्या कहें, होने को कोई टाल नहीं सकता है। हमारे साथ में आज इसी निमित्त से समझ लीजिए आज अभय जी भाई साहब भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और उनका भी इस विशेष प्रसंग पर उनका संबोधन हमको मिलेगा। हम जो है पूरा कार्यक्रम इसमें नहीं कर रहे हैं, समय सार परिचर्चा जो जिससे उससे चल रही है वो जरूर चलेगी, लेकिन कुछ समय हम इस याद के लिए भी देना चाहते हैं। तो मैं अभय जी भाई साहब बहुत घनिष्ठ थे उनके साथ में, जब अलीगढ़ में पंचकल्याणक हुआ तो कोई 2 बार छिंदवाड़ा आए थे अभय जी से विशेष रूप से मिलने के, कि भाई क्या तैयारी चल रही है कैसा, मेरे को एकदम बढ़िया नई इंद्र सभा राजसभा ये वो बहुत बहुत तरीके से, जो पहला पंचकल्याणक हुआ था, तो वो जो है वो सब बातें हैं, उनसे हम उनके भी थोड़े से संस्मरण सुनेंगे। प्रदीप जी भाई साहब अभी दिवाली का शिविर उनके साथ में करके आए, उनका भी संस्मरण सुनेंगे, और भी हमारे जो साथी हमारे साथ में जुड़े हैं जिनका भी कुछ कहने का भाव हो तो अवश्य हैंडरेज करेंगे और हम उन सबको अवश्य सुनेंगे। अभी अरुण जी भाई साहब और शिखर जी भाई साहब हाथ उठा रहे हैं, लेकिन मैं बाद में उनको लूं अथवा वो कहें तो मैं पहले ले लूं, अभय जी भाई साहब को मैं पहले लेना चाहता हूं, प्रदीप जी को लेना चाहता हूं, फिर हम सबको बाकी सज्जन को लेना चाहते हैं। फिर भी आपकी यदि कोई विशेष टिप्पणी हो तो अवश्य कह सकते हैं,
अनम्यूट करना भाई साहब अरुण जी को और शिखर जी भाई साहब को, और अभय जी भाई साहब से निवेदन है कि वे आ जाएं। अभय जी भाई साहब आ गए हैं। जय जिनेंद्र भाई साहब आपके दर्शन हो गए, आइए। हाँ कुछ कह रहे हैं बताइए अरुण जी। अभय जी को ले लीजिए, अभय जी को फिर उसके बाद में। हाँ 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 मैं बाद में लेता हूँ, सबको बाद में लेता हूँ। ठीक ठीक ठीक, आइए अभय जी। आवाज नहीं आ रही भाई साहब आपकी, थोड़ी सी पास कर लीजिए। चित्र भी नहीं आ रहा है, स्पॉटलाइट करें ना उनको, चित्र भी नहीं आ रहा है। नहीं आ तो रहा है, चित्र तो आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है। हाँ तो आपके पास नहीं आ रहा होगा, लेकिन आ रहा है चित्र, आवाज नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ भी नहीं आ रहा है चित्र, तो यहाँ भी नहीं आ रहा। ओहो भाई साहब फिर से बंद करके चालू करना पड़ेगा, आवाज भी नहीं है और चित्र भी सबको नहीं आ रहा है, मुझे तो आ रहा है। एक बार बंद करके फिर से चालू कर लीजिए, नहीं तो आ गया है आवाज नहीं आई थी ना, आवाज आ गया है। हाँ जी भाई साहब को जय जिनेंद्र भाई साहब बोलिए। अनम्यूट करें, अब तो स्वस्थ लग रहे हैं। आ रही है भाई साहब आवाज, अभय जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, चलिए मैं ऐसा करते हैं, हम अभय जी को बाद में ले लेते हैं, इसके पहले मैं अभी प्रदीप जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि प्रदीप जी जो हैं उनके संबंध पवन जी भाई साहब के साथ में बहुत अंतरंग थे और अभी अभी आ ही रहे हैं वहां से वो शिविर करके, तो प्रदीप जी भाई साहब का हम संबोधन पहले लेते हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भाई साहब। बहुत बहुत स्मरणांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ आदरणीय भाई साहब पवन जी, उनके देह वियोग का मन में दुख भी लेता हुआ, उनके व्यक्तित्व के संबंध में विचार करता हूँ कि ऐसे तो अनंत जीव पृथ्वी पर आते हैं और जाते हैं, पर कोई बिरला होता है पवन जी जैसा पुरुषार्थी, दृढ़ निश्चयी, विवेकवान, धर्म की श्रद्धा अटूट है जिसको, और उसको किस तरह से इसको सारे सारे जगत में फैलाया जाए, ऐसी भावना, और भावना तो है ही, सभी की भावना होती है, पर भावना साकार कर सकने की क्षमता किसी में होती है, वह सब कुछ इनमें था। और धर्म प्रीति तो ऐसी कि अभी जो शिविर लगा हमारा KKPPS का इनके साथ में, मंगलायतन के साथ में,
और वो शिविर इसलिए लगा कि आज से 18 साल पहले जब हमने शिविर लगाया था मंगलायतन में, तब वहां पर पवन जी ने स्वयं खड़े होकर कहा कि यहाँ पे ही विमल दादा और प्रदीप जी खड़े होकर हमको आश्वासन दें और स्वीकृति दें कि यहाँ पे हर साल हमारे साथ शिविर लगाया जाएगा। और वो सारी सभा से तालियां बजवाई और ये करा, आपने कहा भाई अपन हर साल दूसरी जगह लगाते हैं हम हर जगह, तो क्योंकि नहीं यहाँ का तो लगेगा ही, फिर कहीं भी लगाओ आप, कोई मना ही नहीं, हम तो सब चाहते हैं अपन सब लगाएं साथ में लगाएंगे। और फिर वो स्वीकृति हुई, अपने आपस में सबने निर्णय किया बिल्कुल यहाँ भी पवन जी भाई साहब की जो भावना है उस अनुसार अपना हर दीपावली पर यहाँ पर पंच दिवसीय शिविर लगाया जाएगा, मीटिंग में पास हो गया। और वहाँ पे जो है बराबर आज 18 साल से 18वां शिविर अभी हाल हम अभी आए ही हैं वहाँ से, दीपावली से एक महीना भी हुआ है कुल मिला के, दीपावली पे वहीं थे और उनके साथ में बुजो घंटों में। और उन्होंने यद्यपि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ऐसा तो लग रहा था कि कमजोर बहुत हो गए हैं और वो अपने वहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके अंदर आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी भावना बहुत उछलती थी और वो ऑनलाइन सुनते भी थे और हमको अपने को सबको घर बुलाते बार बार, सारे परिवार को, जानवी परिवार को भी, सारे मास्टर मुमुक्षुओं को भी, जो भी आते विद्वान आए थे उनको भी सबको क्रमशः बुलाते थे। और मैं भी और सब जो मुझे जितने भी विद्वान आते जाते उनका सबका बड़ा सम्मान करते थे, उन्होंने धर्म की प्रभावना उनका, उनको धर्म का प्रेम इतना था कि जैसे जैसे गुरुदेव थे ना, तो गुरुदेव का ऐसा था कि जितने भी सेठ थे उनको एक को भी सेठ जी नहीं कहते थे और जितने भी पंडित थे उन सबको पंडित जी कहते थे, चाहे छोटा पंडित हो कोई पंडित हो पंडित जी, और वहां पे सेठ को सेठ जी को ए सेठ, तो वो उनको ज्ञान की धर्म की महिमा थी, इसी तरह इनको भी थी। और बहुत इनके पिताजी का जिस तरह से सब समाज में बहुत प्रभावना का योग बना, उनकी प्रेरणा से इनका भी जीवन में जो परिवर्तन आया वो सब स्तुत्य है, मैं उसका डिटेल नहीं करता हुआ, सबको पता है इस बात का, अभी राकेश जी ने भी वर्णन किया। पर हर तरह से उनका अंतरंग और बहिरंग बहुत पवित्र था और आत्म साधना के लिए भी बहुत उत्सुक थे। अभी हम गए वहां पे तो मेरे साथ में करीब 1.5 घंटे रात्रि को अकेले हम दोनों थे अर्चना और मैं, तो साथ में बैठे रहे तो जाने नहीं दे रहे थे कि बैठो और बैठो और भाई और चर्चा करते जाएं, तत्व की चर्चा सही। और संबोधन मेरे को भी कहा आखिरी में ऐसा कि प्रदीप जी अब ये विदेश में जाना बंद करो, मेरा तो ऐसा है कि अब तो आप जो है समेटो अपने को, यहाँ पे भी समेटो, अपने को अपना हित करना है, अपने को कौन सहयोग देगा क्या देगा कोई से कुछ मतलब नहीं रखो, अब बहुत कर लिया आपने, अपना अंदर जाओ, ये सब मतलब उनकी भावना बता रहे थे वो, कि मैं पूरी तरह अंतर्मुख हो रहा हूँ, पूरा ध्यान मेरा ये है कि मैं चला जाऊंगा, जल्दी से जल्दी जाना है, लेकिन मैं ये साधना करके जाना चाह रहा हूँ, तो पूरे सब समय कोई कुछ काम नहीं आने वाला, अब आप अकेला एक आत्मा का ध्यान दो बस और कुछ मत दो। तो ये जो उनके विचार थे बहुत अच्छे लगे मेरे को, भी बहुत प्रभावित किया उनके विचारों ने। और जो है मैं आखिरी में भी प्रणाम भी मैंने इसी तरह से किया और आते आते बोले कि प्रदीप जी आपको हर महीने यहाँ पे आना है, तो मेरे को लगा कि कैसे आऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने उनसे यही कहा कि हाँ भाई साहब आप जो है बिल्कुल मैं कोशिश करता रहूंगा और हर महीने आने की कोशिश करूंगा, आजकल तो फ्लाइट भी हो गया है तो वहां से सूरत से 1 घंटे में 2 घंटे में वहां आ जाता हूँ, दिल्ली से मैं आ जाऊंगा तो मैं तो आता रहूंगा। मैंने बहुत मैंने भी उसी तरह से बात की कि जैसे अंतिम विदाई है, मुझे ऐसा ही लगा मन में कि अपन छूट रहे हैं और छूट जाएंगे, क्या पता क्या होगा, इसका भविष्य का क्या पता है, तो है उसी हिसाब से मैंने विनम्रता मेरी भी बहुत व्यक्त की, उनकी स्तुति भी की, उन्होंने भी खूब इसी तरह से मुझे भी लेट किया, सब जो लोगों को भी इसी तरह को करते थे कि वो अपने का जो आखिरी मिलन है सबसे ऐसी इसी भाषा में बोलते थे, इसलिए उन्होंने अपने को बहुत संभाला है, समेटा भी है और अपने आत्महित में भी लगाया है। और मंगलायतन की रचना जो हुई है वो महान हुई है, यूनिवर्सिटी और ये
और अभी चिदायतन वहां पर जो हस्तिनापुर में बन रहा है वो उसकी बड़ी योजना, ये सब कोई विराट माइंड था, बड़ी योजना बनाते थे और सारी साकार होती थी और सफल होती थी और सारा रुतबा था ही उनका, सब जो राजनीति में वगैरह वगैरह में सब में बड़ा रुतबा था और सब, तो उनका वहां पे सब आते थे बड़े बड़े राजनेता लोग सब बड़े वहाँ उपस्थित हो जाते थे कार्यक्रमों में और सभी उनके बड़ा पंच कल्याणक हुआ कैसा हुआ सब सब देखो खूब महिमा थी, पर जीव अपने बीच में से चला गया है। लेकिन बस इसलिए अपन अपने मन में परिणामों में सांत्वना देते हैं कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, वो स्वर्ग में जा चुके हैं और अपना हित करेंगे ही और भगवान बनेंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम सब उनके अच्छे यह भावना भाते हैं कि वे बहुत जल्दी से जल्दी अपने इस हित में प्रवर्तित हुए परमात्मा बने, यही मंगल भावना है। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छे उद्गार हमारे प्रदीप जी भाई साहब ने, बिल्कुल साक्षात अभी उनसे, साक्षात मतलब अभी महीना भर भी नहीं हुआ है तो जो है बिल्कुल, और अंत समय में लेकिन उनका शरीर जो है पिछले दिनों से बहुत ही, वजन तो उनका मुझे लग रहा है 30-35 किलो वजन रह गया होगा आखिरी में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था, एकदम सूखी हड्डी रह गया था, लेकिन उनका अंदर का विल पावर बहुत था। हाँ, विल पावर बहुत था और जो है मुझे लगता है कि उनकी हार्ट वगैरह की तकलीफें उनको तो पिछले 30-35 साल से हैं, पिछले 30-35 साल से, और उसके बावजूद भी उन्होंने उसको जो है पूरा जिया है। माने वो मुझे लगता है कि इतनी बीमारी के बाद भी वो उन्होंने अपनी पूरी आयु जी है, भले अभी उनकी आयु वैसे ज्यादा नहीं थी, 70 के आसपास उनका रहा होगा उम्र, लेकिन जो है उन्होंने अपनी आयु पूरी जी है और कोई अकाल वाली बात नहीं रही है। कितने दिन से उनकी तबीयत, नहीं तो अकाल तो होता है तो एक मिनट में काम हो जाता है, लेकिन ये इन्होंने अपनी पूरी आयु जी करके गए हैं वो, और कितने ही आराधना अपना काम उन्होंने कर लिया है, कितने ऑपरेशन में कहें तो उन्होंने अपना काम कर लिया था और काम करके गए हैं वो। बहुत अच्छा, बहुत ऑपरेशन वगैरह, कितने ऑपरेशन हो गए, कितने क्या हुआ, सब लोगों को ऐसा लगता था कि क्या बने, क्या होगा, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ऐसी शंका होने लगी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी शंका होने लगी थी। और उसके बाद उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाती थी, हम 8 साल रहे, इतनी तबीयत खराब हो जाती थी कि बिल्कुल जो है ना, एक बार तो उनको इतना बड़ा वो आया था स्ट्रोक कि वो ऐसे उछल गए थे पलंग के ऊपर से, ऐसे उछल गए थे, इतना जोर के उनको अटैक का वो आया था, वो कुछ उनका यहाँ पर मशीन भी लगी हुई थी। मैंने उन्होंने कैसे अपना जीवन जिया है और कैसे अपने उससे वो रहे और उनने अपनी आराधना साधना पूरी करी है। अभय जी भाई साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे इस प्रसंग पर अवश्य अपने उद्गार व्यक्त करें। सभी को जय जिनेन्द्र। आ रही है आवाज अभी? हाँ भाई साहब, बहुत अच्छी लग रही है आपकी आवाज, बहुत अच्छी आ रही है। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, असरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। जैसा कि राकेश जी ने संकेत किया था, मंगलायतन के शिलान्यास के पहले ही मेरे पास उनका पत्र आया था छिंदवाड़ा, कि उनके पिताजी की इच्छा है कि यहाँ जो संकुल बनेगा मैं उसका उत्तरदायित्व संभालूं। इस तरह से उनका आग्रह पहले ही से था। फिर बाद में मंगलायतन बना, पवन जी के अनेक रूपों को मुमुक्षु समाज ने देखा है और समय समय पर उनके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का लाभ लिया है। टीकमगढ़ पंच कल्याणक में जो संकट था वो पवन जी के हस्तक्षेप से ही उसका निवारण हुआ था, तो उनके सामाजिक और राजनैतिक पकड़ वो मोक्षु समाज के काम में आई। उनकी दूरदर्शिता, संगठन क्षमता
वो सब मंगलायतन और यूनिवर्सिटी वगैरह के आयोजनों में अपन सबने देखी है। मैं तो उनकी इस बात से बहुत प्रभावित हूँ कि 5-7 बरस पहले ही एक बार जब मंगलायतन गया था तो उनने एक कमरा खास इसलिए बनवा तैयार करवा रखा था और लकड़ी का तख्त वगैरह कि मैं अपना समाधि यहीं करूँगा। जब उस समय उनका आरजब नाम का जो बिल्डिंग है वो नहीं बनी थी, यानी वो हमेशा इस बात के लिए तैयार थे कि जब भी देह परिवर्तन का काल आएगा तो वे अपना मानस बना चुके थे और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के तो बहुत गहरे अध्येता थे ही। और धवला जी की क्लास वगैरह अगर अभी चली तो उनके जीवन का आध्यात्मिक पहलू जो है और जो उनके सूरवीरता है, जैसे बाहर के क्षेत्र में वो एक बहुत ही सूरवीर के रूप में दिखते थे, वैसे अंतरंग के क्षेत्र में भी वैसे ही थे। हर व्यक्तित्व के हर पहलू से अपन को प्रेरणा मिलती है। मंगलायतन में उन्होंने एक ऐतिहासिक काम शुरू किया कि जो सबकी धारणा थी कि छोटे बच्चे गुरुदेव का प्रवचन नहीं समझ सकते या जिनने गुरुदेव को नहीं सुना है वे नहीं समझ सकते, तो उन्होंने इस मिथक को तोड़ा, वहाँ पे प्रवचन चालू करवाए। सही गलत जैसा भी हो बच्चों को लिखने की प्रेरणा दी, आदत डाली और इस तरह से विद्यालयों में गुरुदेव के प्रवचन बच्चे सुने और उस पर कमेंट्स करें। इसका सूत्रपात मैं समझता हूँ पवन जी ने ही किया, ऐसे अनेक कार्य उनके माध्यम से हुए। मुझसे हमेशा कहते थे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आप समय दें। सचमुच में आज मुमुक्षु समाज अपने को निराश्रित जैसा अनुभव कर रहा है, ज़्यादा मैं नहीं बोल सकूँगा और आपके सामने भी ज़्यादा नहीं रह सकूँगा। मेरी आवाज़ से आपको मेरे स्वास्थ्य का अनुमान लग जाएगा। मुझे पूरा 1 महीने समझ लीजिए बहुत कम बोलना और ज़्यादा चिंतन करना, इसी की उन्होंने सलाह दी है, इसलिए मैं अभी उनको अपनी विनम्र स्मरणांजलि प्रस्तुत करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय जिनेंद्र। भाई साहब आपको तो हमारा पूरा परिचर्चा जो है, आपको दर्शन करना चाह रही थी, आपको देखना चाह रही थी, आपको मिलना चाह रही थी, आपसे बात करना चाह रही थी, और जो है आज जो है इस प्रसंग में ही कहें हमको आपका जो है सानिध्य प्राप्त हुआ और आपके वचनामृत भी सुनने को मिल गए। आप जितने आप अस्वस्थता जितनी आपकी समझ में आ रही है उतना ही आपका स्वास्थ्य भी समझ में आ रहा है कि आपका स्वास्थ्य इस लायक तो हो गया कि आप हमारे सामने आ गए हो। मैंने दोपहर से ही मन बना लिया था कि अपन को पवन जी के बारे में चर्चा थोड़ी होगी तो मैं आपके बीच में आऊंगा। कोष्ठी में मेरा मन है बंद अधिकार चालू होगा, तब से मैं उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। नहीं, आप जितना भी समय मिले, आपको जितना भी आपकी अनुकूलता हो आप उतना आना, आपका जो है 1-1 मिनट हमारे लिए जो है वो बहुमूल्य है। बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई आपके आने से। हमको बहुत मन में लालायता थी कि क्या हाल है, क्या है, आज प्रत्यक्ष देखा है, मैं तो सुना है, सबको सुनते हैं। ठीक है, तो सही। हाँ जी, संजय कैसे हो भाई साहब? मैं तो ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं आपका साथ बढ़ा है, मुझे बहुत शानदार लग रहा है। बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी आवाज में जितनी सहजता थी, जितनी सहज रूप से आपने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। आप यूट्यूब पर तो जुड़ते हैं लेकिन बस एक बार जूम पर उपस्थिति लेकर चले जा दीजिए। ठीक है,
उसमें मैं संयम नहीं रख पाऊंगा इसलिए नहीं आता। ये बात सही है, लेकिन आप दो पांच मिनट बोला भी करो भाई साहब, फिर पांच मिनट शुरुआत आप कर दिया करो बस शुरुआत। चलिए जय जिने जय जिनेन्द्र सर। हाँ जी देखिए, ये जो हमारे साथ में जो आज संजय जी भी ट्रेवल में हैं और संतोष जी भी ट्रेवल में हैं, इनको जब भी अनुकूलता हो वो अपने उद्गार व्यक्त कर सकते हैं। मैं संजय जी को ही ले लेता हूँ पहले, वे अपने उद्गार व्यक्त कर लेवे, नहीं तो फिर वो उनका हो सकता है वो हो जाए हमारे साथ में ना जुड़ पाए। आइए संजय जी बोलिए। वंदित सब सिद्धे के साथ मेरा जो जुड़ना है वो समय सार वचनिका के माध्यम से हुआ था और वो एक इत्तेफाक ही था। और वर्ष में वही है जब एक्सपीरियंस जुड़ा था, 2003 या 4 के आसपास की बात होगी मेरा जुड़ना हुआ था एक संयोग बस। और उसके बाद तो फिर समय सार वचनिका के दौरान निरंतर जुड़ना हुआ, अनेक प्रसंग बने जहाँ उनके साथ बैठना हुआ। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो था उनका साधारण वात्सल्य। ऐसा वात्सल्य कम मिलता है, वो उनके वहाँ मंगलायतन गए हैं किसी भी काम से गए हैं, वो ये कहते थे एक बार घर आकर के भोजन करना, अपने हाथ से खिलाना। पता नहीं ये कैसा भाव था उनका, ये भाव मुझे बहुत उनका अंदर से प्रभावित करता था। सहजता भी थी, जब मंगलायतन यूनिवर्सिटी पंच कल्याण से बहुत पहले जब शिला पूजन का कार्यक्रम जयपुर में उन्होंने रखा था विद्यार्थियों के साथ, मैं दौसा में था उन दिनों, तो मैंने पवन जी भाई साहब से आग्रह किया भाई साहब एक बार बच्चों को दौसा घुमा देना, मैं इंतजार करूंगा, इतना सा कहा मैंने। तो शिला पूजन के बाद पूरी की पूरी बसें लेकर के दौसा आ गए बच्चों के साथ में। और क्या बात है, घंटे दो घंटे वो भाई साहब भागी जी और मतलब पूरा ही परिवार था, मंगलायतन परिवार पूरा ही था, और मतलब वो घंटे दो घंटे भक्ति के आनंद के वहां गुजारे दौसा में, एक नई जगह अनजान स्थल पर। लेकिन बस मैंने कहा उनसे तो वो सहज रूप से आ गए। तो पवन जी भाई साहब के साथ तो जितने भी क्षण गुजरे, आज जब ये मुझे तो राकेश जी भाई साहब से ही पता लगा क्योंकि दिन भर में कॉलेज में बहुत व्यस्त रहा, तो एकदम फिर पूरी रील घूम गई पिछली सारी की सारी 20 साल की, कि कैसे कैसे पवन जी पैसा के साथ हमारा अनेक अवसरों पर मिलना रहा, अनेक अवसरों पर बैठना रहा, और चर्चा और मतलब तत्व का जो अभ्यास था वो बहुत गहरा था उनका, बहुत ही सूक्ष्म ढंग से वो चीजों को निकालते थे और जिज्ञासा के भाव से पूछते भी थे। ऐसा नहीं था कि मतलब किसी की परीक्षा का भाव हो, जिज्ञासा के भाव से वो अनेक बार पूछते भी थे। तो उनका स्वास्थ्य गड़बड़ाना और उसके बाद उनका ये जाना, हालांकि लगातार पिछले हम 2-3 वर्ष से लगातार अनुभव कर रहे थे कि उनकी तबीयत बराबर गिर रही थी, तो ये तो घटित कभी भी हो सकता था। लेकिन उनका जो जाना है वो मुझे लगता है कि मुक्षु समाज के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है। मतलब इतना बड़ा सहारा हम अपनी पीठ के ऊपर बल देखते थे, है ना, हम पढ़ रहे हैं सम्यक दर्शी अस्त्राण, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये लग रहा है कि हाँ सचमुच कोई ऐसा जो हमारे साथ अब नहीं है, जिसके पीठ पर जिसके कारण से हमारे बल होता था, ऐसा कोई एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे बीच से गया है। और ये क्षति मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस बिखराव के दौर में ये पूरी हो पाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज पवन जी भाई साहब को अपनी आदरांजलि स्नेहांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र सभी को। आदरणीय आदरणीय बसंत भाई जी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनका भी पवन जी भाई साहब के साथ में बहुत अंतरंग संबंध था,
मैं उनको निवेदन करता हूं वसंत भाई जी से, वे आए अपने उद्गार व्यक्त करें। संजय पवन जी का एक व्यक्तित्व ऐसा था कि जो एक बार उनसे मिल लेता था उसके बाद में वो जीवन भर के लिए उनका बन जाता था। मतलब ऐसा उनका एक व्यक्तित्व रहा और उस व्यक्तित्व के कारण से उनका जो है समाज से उनका संबंध जुड़ता चला गया। मतलब मेरे को वो समय भी याद है जब शायद पवन जी को कोई नहीं जानता था, इनके पिताजी को ही सब जानते थे, लेकिन पवन जी मंगलायतन समझ लो 2002 में बन तैयार हुआ, उसके बाद ही 2000 में एक उन्होंने उसका शिलान्यास समारोह किया था। वो पहला समय था जब कि समाज से उनका परिचय हुआ था। और आज 20 साल के पीरियड में ऐसा कुछ हो गया कि पवन जी जो हैं वो मोक्ष समाज के अविभाज्य अंग बन गए और अविभाज्य नेतृत्व भी उनका हमको प्राप्त हुआ है। वसंत भाई जी को अनम्यूट करिए और मैं निवेदन कर रहा हूं वसंत भाई जी से कि वे अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। आदरणीय वसंत भाई जी, आपका वीडियो भी ऑन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। वसंत भाई जी, आपको हमने को-होस्ट बनाया है, आप अनम्यूट हो सकते हैं। चलिए हम वसंत भाई जी से अब और बाद में जुड़ेंगे, वो हमारे साथ में जूम पर हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल, तो हम उनसे और जुड़ते हैं। इसके बीच में मैं अरुण जी भाई साहब और हमारे शिखर जी भाई साहब ने सबसे पहले हैंड रेज किया था, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ अरुण जी से, वे आए और अपने उद्गार व्यक्त करें। अरुण जी भाई साहब। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय पवन जी से मुलाकात तो जब मंगलायतन विद्यालय खुला और सर्वप्रथम मैं अपने बेटे को लेकर के वहाँ भर्ती कराने के उद्देश्य से गया था, तभी उनसे पहली मुलाकात हुई है। और आखिरी मुलाकात 19 में जो दीपावली थी 2019 में, उस समय मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई। आदरणीय पवन जी के जाने से आज मोक्षु समाज ने एक अपने लोह पुरुष को खो दिया है। मानो मोक्षु समाज की रीढ़ की हड्डी ही, बैक बोन जिसको हम कहते हैं, वह टूट गई है ऐसा लगता है। होनी को कौन टाल सकता है वाली हम नीति को मानते हैं। आदरणीय पवन जी का जब हमारा बेटा वहाँ भर्ती था तो कई बार वहाँ जाना हुआ। मेरे बेटे से उनका काफ़ी स्नेह था। भक्ति आदि के संदर्भ में यदि भक्ति पूरी हो जाती थी और पवन जी आ जाएं तो वो कहते थे मोदी, और ये मेरा बेटा जो है चुनरी की क्या वो जो कोई एक ऐसी भक्ति थी उसको प्रिय, और पवन जी उसको बहुत हृदय से सुनते थे। और फिर वो उसको लेकर के लंदन भी गए थे। आदरणीय पवन जी ने सारे मोक्षु समाज को एक ग्रुप में परोने का काम किया, धरती अंबर एक किया मानो, और बच्चों से उनको खासा लगाव था, परंतु इस अनुशासन इतना प्रिय था उनको। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मेरा रिश्ते में भांजा है, वो वहाँ मंगलायतन में था, उसने कोई उद्दंडता की तो उसको संस्था से निकाल दिया, परंतु उसको उसका भविष्य खराब ना हो तो संस्था से तो निकाला परंतु अपने घर में रखा, और अपने घर में अपनी टेबल पे बिठा के उसको भोजन कराते थे। ऐसा पवन जी का अनुशासन में खरे और वात्सल्य में भी वो खरे, ऐसा मेरे बेटे के साथ भी एक ऐसी घटना घटी। और मैंने जब उसके प्रत्युत्तर में पत्र लिखा तो पवन जी ने उस पत्र पर प्रवचन किए कि देखो ऐसा पत्र लिखा जाना चाहिए। तो पवन जी के वास्तव में जो अभी राकेश जी ने कहा
कि उनसे एक बार मिलने में तो बहुत उनका मुरीद हो जाता था, ऐसी पवन जी में अद्भुत क्षमता थी। और निश्चित ही आज वो रिक्त स्थान, यद्यपि इतिहास बहुत सी बातें भूल जाता है, नई जोड़ लेता है, परंतु जहाँ तक हमारी सोच जाती है कि पवन जी जैसा व्यक्तित्व अभी निकट भविष्य में हम मुमुक्षु समाज की ओर नजर करते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता है। खैर, घाव तो सब भर जाते हैं पर चिन्ह छूट जाते हैं, वैसे ही पवन जी की चिन्ह हमारे दिलो दिमाग में प्रत्यक्ष रहेगा। और निश्चित ही उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। अभी जैसे राकेश जी कह रहे थे कि उनका परिचय समाज में बहुत बाद में आया, तो मानो जैसे मंगलायतन का उदय हुआ, वैसे ही पवन जी का मंगलायतन के कारण ही समाज में एक उच्च स्थान उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने सोनगढ़, जयपुर, जो भी देवलाली, सारी संस्थाओं को एक करने का प्रयास किया, बहुत कुछ उन्होंने हासिल भी किया, और इस तरह से समाज में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और अकेले मुमुक्षु समाज में नहीं, सकल समाज में उनका, पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका एक उच्च स्थान था। और यदा कदा उस बात का लाभ भी हम सब मुमुक्षुओं को प्राप्त हुआ है। और यदि कोई आपदा जैसी बात यदि दिमाग में कोई आती थी तो ऐसा लगता था पवन जी तो हैं, पर अब वो विकल्प हमारे सामने से टूट गया है। खैर, यद्यपि उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ किया है, समाज के लिए बहुत कुछ किया है, और आज उनका देह विलय का प्रसंग बना और वे हम सबके प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष तो रहेंगे ही, वे भव का अभाव करके मृत्युंजयी हो, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं अपने परिवार की ओर से और हमारे मकरोनिया मोक्षु मंडल की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आदरणीय वसंत भाई जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अरुण जी भाई साहब ने एक बात जो कही वो बहुत मार्के की थी कि मोक्षु समाज के भी छुटपुट कारणों से कुछ वर्ग बन गए थे जयपुर, सोनगढ़ वगैरह के नाम से। पवन जी भाई साहब ने वो एक काम किया था कि उन्होंने सबको जोड़ने का एक प्रयास किया था, कितने सफल हुए नहीं हुए वो अलग विषय है, लेकिन उन्होंने प्रयास जरूर किया था और सर्वत्र उनका सम्मान था। सोनगढ़ में भी उनका वही सम्मान था, जयपुर में भी उनका वही सम्मान था। डॉक्टर साहब उनको संबोधन करने के लिए अनेक बार आए, वो बीमार हुए तो ये उनके देखने के लिए गए और बहुत मैंने उनका संबंध था। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे वो सब जगह वो आदर के पात्र थे, उसी प्रकार तीर्थधाम मंगलायतन में उन्होंने एक ऐसी विधा बनाई थी ट्रस्टीशिप की कि उन्होंने सब संस्थाओं को अपने संस्था का ट्रस्टी बनाया, ट्रस्टी नाम दिया था उन्होंने। और जो है उसकी मीटिंग होती थी साल में एक बार, कौन जाते थे नहीं जाते थे अलग बात है, लेकिन मतलब सबको उन्होंने अपने में समाहित किया और वो सब में समाहित होने का उन्होंने प्रयास किया। मैं आदरणीय वसंत भाई जी को निवेदन करता हूँ कि उनके भी बहुत बहुत गहरे संबंध थे पवन जी के साथ में, वे अपने उद्गार व्यक्त करें। भाई पवन जी नहीं रहे, अचानक ये समाचार मिले, बहुत दुख हुआ, आघात हुआ। मुमुक्षु समाज पूज्य गुरुदेव श्री के विदाई के बाद अनेक प्रकार की मुश्किलों में आया है, और हर समय जब ऐसा कोई बात हुई कि राजकीय लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, अन्य स्थानों पर आवश्यकता हुई पहचान की, तो उनकी इन्फ्लुएंस हमें काम में आई है। दो जगह पर तो 4-5 साल पहले अपनी शिविर का विरोध हो रहा था कि आप शिविर नहीं लगाएंगे, मैं उस गांव पहुंचा, मैंने देखा कि शासन की ओर से हमारे समाज को साथ नहीं मिल रहा है। तुरंत ही मैंने पवन कुमार जी को दोबारा बात की और उन्होंने हमें ऐसा परिचय करवाया कि वो काम जो ऑफिसर था उन्होंने ही माथर पे ले लिया कि आपकी शिविर लगाने का काम आप नहीं करेंगे, हम करेंगे, आप इससे बिल्कुल आश्वस्त रहिए।
इस प्रकार की पत्रकारिता के इतिहास के साथ उनकी जो समाज में और पॉलिटिकल लेवल में इन्फ्लुएंस थी उसका हमें बहुत लाभ मिला है। मुमुक्षु समाज में भी छोटे मोटे मतभेद तो रहते हैं, उन मतभेदों के समय भी पवन कुमार जी ने दोनों पक्ष को मिलकर कोई समाधान ढूंढने का प्रयत्न किया है। काफ़ी जगह तो हम लोगों ने साथ भी काम किया है और मुझे यह कहते हुए गर्व है कि काम करने के बाद भी किसी प्रकार की प्रशंसा या इज्जत या इन्फ्लुएंस का उपयोग उन्होंने नहीं किया। एक आत्मा थी में और एक लीडर में जो लक्षण होने चाहिए वो सभी लक्षण पवन कुमार जी में पाए गए, उसको पूरा लाभ मिला। लेकिन एक बात जरूर है, उनने जो स्वाध्याय किया वो आत्मार्थ को मुख्य करके किया। उनके स्वाध्याय में जो प्रश्न वो पूछते थे उसमें भी उनका आगम और अध्यात्म को समझने का बराबर को गहन गहन अभ्यास करने का प्रयत्न रहा है। गत काफ़ी साल से बीमार रहे, लेकिन बीमारी को भी एक तरफ रखते हुए अपनी संस्था का, समाज का और स्वयं का काम किया है। अच्छे संस्कार लेके आप पधारे हैं, हमें पूरा विश्वास है कैसे मुमुक्षु रत्नत्रय की प्राप्ति करेंगे और उनके आत्मा को शांति प्रदान हो, ऐसी प्रार्थना है। समाज को भी विनती है कि एक के बाद एक लीडर जो वृद्ध थे और उनके अनुभव का काम होता था तो विदाई हो रहे हैं, हम अपने को अकेलापन महसूस कर रहे हैं और इसलिए प्रार्थना करते हैं कि मंगल बड़े पवन जी हमारे साथ नहीं हो, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था और उनका जो प्रभाव था वो प्रभाव हमें मिलता रहेगा, उनके आत्मा को शांति पहुंचे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई साहब, आपने जो भी बातें सुनाई हैं उसमें से मेरे को लगता है घटनाएं तो बहुत सी होंगी, सैकड़ों होंगी, लेकिन समय को देखते हुए आपने एक दो चार का संस्मरण किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पहला पंच कल्याणक हुआ था मंगलायतन में, लाल कृष्ण अडवाणी उसमें आए थे, आज हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह उसमें आए थे, उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती उसमें आई थी। मतलब जो है उनका इतना इन्फ्लुएंस था कि वो जिसको कह देवे उसको आना है मतलब अब कैसे आना है कैसे नहीं आना है। तो जो है कोई किसी ने ऐसा कहा भी था कि भैया वो लाल कृष्ण अडवाणी को हम जो है गुलदस्ता भेंट करना चाहते हैं, तो बोले आप क्या बोलते हो, गुलदस्ता आप भेंट नहीं करोगे उनको, वो आपको भेंट करेंगे। तो जो है पवन जी ऐसे इन्फ्लुएंस वाले थे कि उन्होंने लाल कृष्ण अडवाणी से उनका सम्मान करा दिया। ऐसे ऐसे व्यक्तित्व रहे और जो है उनका वास्तव में बहुत सारी घटनाएं ऐसी रह रह करके याद आती हैं। मैं हमारे शिखर जी भाई साहब ने सबसे पहले हैंड रेज किया था, उनको आमंत्रित कर रहा हूं। इसके बाद में हमारे साथ में और हमारे साथ में जो मंगलायतन से जुड़े रहे व्यक्तित्व हैं उनको मैं इसमें लेना चाहता हूं। हमारे विनीत जी नागपुर से जुड़ रहे हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा। जगदीश जी भाई साहब पवार हमारे साथ में जुड़े हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा। विराग जी शास्त्री, उनको भी इसमें बोलना है, उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा। और भी जो हमारे साथी जो भी आप बोलना चाहें, एक छोटा छोटा सा इशारा हमको मिल जाएगा तो हम आपको आमंत्रित करेंगे। आइए शिखर जी भाई साहब। जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई साहब, आ रही है। अभी शाम को ही राकेश जी से फोन पर मेरी बात हुई, तब मुझे इस हृदय विदारक घटना का पता चला कि आज पवन जी भाई साहब हमारे बीच में नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से तो मैंने उनका सानिध्य, ऐसा दीर्घकालीन सानिध्य कहो, बहुत गहरा सानिध्य कहो, वो मैंने नहीं पाया। लेकिन पंडित श्री कैलाश चंद जी
उनकी मैंने काफी उनके प्रवचन सुने हैं, उनकी कक्षाएं अटेंड की। वास्तव में एक पिता अपने पुत्र में जो देखना चाहता है, पवन जी ने उसको सर्व प्रकार से साकार किया। वो अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने सच्चे आत्मार्थिता का परिचय दिया। और अभी अभय जी भाई साहब ने एक संक्षिप्त सा इशारा किया था, मेरा टीकमगढ़ से संबंध है, टीकमगढ़ पंचकल्याणक जब हुआ तो विद्वेषियों ने जो प्रतिमाएं थे, प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को जब मंदिर ले जा रहे थे उस समय उनको खंडित करने का एक षड्यंत्र बनाया था और बहुत विरोध हुआ हो रहा था। लेकिन वो पवन जी भाई साहब के प्रभाव से ही उस समय केंद्र में आडवाणी जी थे, यहाँ मध्य प्रदेश में उमा भारती थी, हैं, तो वो पूरा का पूरा प्रशासन भी विद्वेषियों के साथ में था पहले। और जैसे ही फिर पवन जी भाई साहब को ये सूचना मिली, उन्होंने वो सर्व संकट जो भी था वो सब उसका निवारण हुआ, बहुत अच्छे से सब कार्य संपन्न हुआ। तो मैं टीकमगढ़ मोक्ष मंडल की तरफ से भी बहुत उनको विनयांजलि अर्पित करता हूँ। एक 10-11 साल पहले मैं अलीगढ़ में था, मंगलायतन में, संयोग से उसी दिन पवन जी भाई साहब भी वहाँ पधारे और भोजनालय में ही हम लोग भोजन कर रहे थे। उसी समय वही भोजन जो सब सामान्य के लिए जो बनाया था, बच्चों के लिए भी, अतिथियों के लिए, वही भोजन उन्होंने भी हमारे साथ बैठ के किया। और मुझे जो एक बात बहुत प्रभावित करने वाली लगी, उन्होंने भोजन के उपरांत अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और वहाँ की जो भोजनालय की वो जो वो थी एक पेटी का है, तो वो उसमें उन्होंने वो रुपए डाले, बोले ये संस्था का है भोजनालय। माने भले वो संस्था के ही सर्वोसर्वा थे, लेकिन अपने आप को वो जो संस्था खड़ी कर चुके तो वो उनके लिए तो वो एक तरह से वो तो उन्होंने दान दे चुके थे। अब वो दान दी हुई वस्तु का उपभोग करना उन्हें खुद भी अपने लिए स्वीकार्य नहीं था। उनका उनके जो सामाजिक कार्य हैं उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अभी राकेश जी ने और एक अभी एक साल पहले के प्रसंग का उल्लेख किया है, योगेश जी वाले प्रसंग का, और ऐसे एक नहीं अनेकों ऐसे प्रसंग हैं जिसमें वास्तव में वो तारणहार की भूमिका में हमारे सामने आए। मुक्षु समाज में एक मूल जो मूल शास्त्र हैं उनके माने मूल पाठ की शुद्धता पे उनका बहुत अधिक जोर रहा। इसलिए जो वचनिका का प्रकाशन हुआ, अभी मोक्षमर प्रकाशक के भी मूल पाठ से उसको मिलान करके उसको पुनः अभी मुद्रण कराया गया मोक्षमर प्रकाशक का, ये सब माने शास्त्र की शुद्धता के वो बहुत ही गहरे पक्षधर थे। वास्तव में मोक्षु समाज की उन्नति में, जैन धर्म की उन्नति में आत्मार्थिकता को बरकरार रखते हुए उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनको पुनः पुनः अपनी विनयांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। हमारे साथ में और भी हमारे वक्ता जुड़ रहे हैं। मैं अभी सर्वप्रथम जो है विराग जी शास्त्री को मैं आमंत्रित करूंगा, वे अपना वीडियो खोल लेवे तो हम उनसे उनको सुन सकेंगे। और उसके पहले अर्चना जी ग्वालियर से हैं, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वे आए। उनका मंगलायतन से बहुत संबंध रहा है, वो स्वयं अपने मुंह से बताएंगी। आइए अर्चना जी। जय जिनेन्द्र सभी को। आज मुझे भी इस सूचना के मिलने पर बहुत दुख हो ही रहा है, क्योंकि
वो हमारे बच्चों के, ऐसा आज प्रत्येक मंगलार्थी अपने आप को कैसा महसूस कर रहा होगा, जैसे उसके धर्म पिता उसके साथ नहीं है। और सचमुच में ये कहने की बातें नहीं है, हमने इस चीज को साक्षात अनुभव किया है। कई बार ऐसा होता था कि शांतनु के साथ में या बच्चों के साथ में कोई बात होती थी और मुझे यहाँ पर बहुत रोष आता था, और मैं जाती थी, मैं सोचती तुरंत बस में बैठे और गए, और सोचती थी भाई साहब को ऐसा बोलूंगी, भाई साहब को ऐसा बोलूंगी, ऐसा बोलूंगी, लेकिन वहां जाके मेरे सारे विकल्प धराशायी हो जाते थे और मेरे आंखों से अश्रु धारा निकलने लग जाती थी, और मैं ये सोचती थी अरे मैं क्या सोच रही थी और भाई साहब के विचार कैसे हैं, वो एक एक बच्चे के बारे में कैसा सोचते थे। भोजनालय में जाते थे, खुद देखते थे कौन सा बच्चा दाल सिर्फ खा रहा है और कौन सा बच्चा सब्जी भी खा रहा है, तो वो कहते थे अरे ये तुम्हें इसमें विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, आपको सब्जी भी खानी है, पढ़ाई का इतना ध्यान रखते थे। और एक घटना ऐसी घटी कि जब शांतनु ने थोड़ी जिद की, पलाश ने, दोनों ने, कि हमको कोचिंग के लिए जाना है कोटा, तो हम लोगों ने सबने मिलके भाई साहब से मीटिंग की कि भाई साहब बच्चे आप यहीं पे मंगलायतन में कुछ कोचिंग की व्यवस्था कर दीजिए। जब हमने कोटा के लिए निकाला तो भाई साहब कहने लगे अच्छा आप ये बताओ कि आपके कितने पुत्र हैं। मैं बोला मैं कोटा जाने की बात कर रही हूँ, ये पुत्र पूछ रहे हैं। कैसा उनके भाव थे, कह रहे थे कि क्यों अपने बच्चे को अपने से दूर करना चाहती हो। उनके भाव कुछ अंतरंग बहुत कुछ अलग थे, कहने लगे कि अरे तुम्हारा बच्चा एक साल के लिए स्वाध्याय से छूट जाएगा, ग्रंथों से छूट जाएगा, आप इसको मत भेजो, ऐसा हमें प्रेरित करते थे वो। और हम सारे पेरेंट्स मिलके उनसे मीटिंग करते थे हर एक बात। अभी कुछ दिन पहले की बात है, पिछले जब पूरी इनकी एल्यूमिनाई मीट हुई थी, 100 से अधिक बच्चे पहुंचे थे, इतना प्रसन्न हो रहे थे, हम घर गए उनसे मिलने, कह रहे थे कि आज मेरे सारे बच्चे आए हैं, मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, हाथ जोड़ के बच्चों से क्षमा मांग रहे थे, कह रहे थे बच्चों मैंने कभी तुम्हें डांटा हो, बच्चों मैंने तुम्हें कभी ऐसा कहा हो तो मुझे क्षमा करना, मुझे नहीं पता था मेरे बच्चे इतने समर्थ हो गए हैं। एक एक बच्चे का स्वाध्याय सुना उन्होंने, इतनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे थे कि हम कल्पना नहीं कर सकते। और उस बार उन्होंने बोला बहन जी आप आया करो, आप जल्दी जल्दी आया करो, आप यहाँ 8-10 दिन रुका करो। उस बार उन्होंने बोला मुझे कि आप छेड़ाला जी की एक क्लास ले लो बच्चों की। फिर मैंने क्लास ली वहां पर उस दिन छेड़ाला जी की, और फिर बोले कि यहाँ बगल में इतने सब घर बन रहे हैं, अब तो तुम लोग निवृत्त हो तो एक फ्लैट ले लो यहाँ पर और यहीं रहो, मैं चाहता हूँ ऐसे लोग यहाँ पर रहें, और जैन साहब सिविल इंजीनियर हैं तो कुछ देखते रहेंगे। इतनी प्रेरणा कर रहे थे कि एक फ्लैट यहाँ पर ले लो और आप यहाँ पर रहो। तो इतना प्रेम कौन किसको देता है, किसके बच्चे चले जाते हैं छोड़ के, हमें ऐसा ही लगता था कि हमारे बड़े भाई साहब हैं। और बच्चे अब भी इतने खुश होते हैं मंगलायतन के नाम से, अभी बोलो कि मंगलायतन चलो तो उनको ऐसा लगता है जैसे लड़की अपने मायके जाने पर खुश होती है ना, ऐसे सारे मंगलार्थी मंगलायतन जाने पर ऐसे ही खुश होते हैं। मैं बच्चों को पर्सनली पूछती हूँ कि क्यों तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि सुबह 5 बजे उठना पड़ता है और ऐसा पढ़ना पड़ता है, अपना पढ़ो फिर ग्रंथ पढ़ो। एक एक बच्चा मंगलायतन की तारीफ करता है, एक एक बच्चा। ऐसे हमारे ऊपर सचमुच में आज हम अपने बच्चे के बारे में इतने निश्चिंत हैं, तो वो सचमुच में सबकी, राकेश जी भाई साहब भी और जो भी मंगलार्थी बच्चों बच्चे वहां, लोहाड़िया जी भाई साहब, सब लोग कैसे बच्चों को तराशा है, और इन सब में पवन जी भाई साहब की देन है, इसलिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हाँ, और अभी जो मंगल विद्यापीठ शुरू की है उन्होंने, सारे बच्चों को उस मार्ग में लगाया है, बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी चर्चा हुई तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, आज बच्चे इतने समर्थ हो रहे हैं कि पवन जी भाई साहब कोई कोई ऑप्शन उनको दें, हर बच्चा स्वीकार करता है
ऑफिस का काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर गृहस्थी को देख रहे हैं, उसके बावजूद भी वो हर काम करने तैयार है। समाज के ऊपर बहुत बहुत उपकार है उनका। सभी को जय जय। मैं आमंत्रित कर रहा हूं विराग जी को। हमारे विराग जी जो हैं, आज उनका परिचय की जरूरत नहीं है किसी को भी, और बहुत अच्छा संबंध रहा है पवन जी के साथ में उनका भी, तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। इसके बाद में विनीत जी नागपुर को आना है। आइए विराग जी। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल जाकुल हो लेता, जाकुल का फल जाकुलता है। आदरणीय पवन जी भाई से आपका समाचार मिला, सभी साधनियों की तरह मुझे भी बहुत धक्का पहुंचा। सच में देखा जाए तो आज विगत लगभग 4-5 वर्षों में मुख समाज के अनेक स्तंभ धराशायी हो गए, और एक एक करके जो पुरानी पीढ़ी थी गुरुदेव के समय वाली, वो पीढ़ी आज सब के सब यहाँ से चले जा रहे हैं। अगर पवन जी भाई साहब का इतना जबरदस्त प्रभाव रहा पूरे समाज के ऊपर, कि जो उनका व्यक्तित्व इतना विराट और विशाल रहा, कि मुझे ये ख्याल आता था 2003 में पंचनाथ हुआ था मंगलायतन का, और मंगलायतन के समय में वहां भयंकर बारिश हुई थी और पूरा पांडाल में पानी पानी भर गया था। क्या गजब कल्पना उन्होंने की और क्या गजब व्यवस्था उन्होंने की कि रातों रात पूरे पांडाल में ईंटें बिछवा दी, खुद मिट्टी में सन करके नंगे पैर वहां पर कार्य कर रहे थे। इस समझ में लगे आप समझो कितनी बड़ी उनकी सहजता और सरलता कही जा सकती है, कितना प्रेम उनको है। दूसरी बात ये कि जो पंचकला का जो ग्लैमर आया, जो उसका एक उत्थान देखने को मिला अपने को समाज में, पहले के पंचकला में सामान्य कार्यक्रम में भी एक सामान्य तरीके चलता था, मंगलायतन पंचकला के बाद में उसके एक लेवल ही बदल दिया, और चाहे भोजन के मामले में हो, चाहे मंचित कार्यक्रमों के मामले में हो, चाहे वो स्टेज के व्याख्यानों के मामले में हो, हर तरीके से उस भव्यता लाने का पूरा पूरा प्रयास है। 3 लोग के नाच का पंचनाथ हो रहा है, तो ये सब सामान्य बात होगी, बहुत बड़ी बात है। ये तो ये 2-3 बातें बड़ी उनकी प्रभावशाली रही। और वो सोनगढ़ भी गए 2 बार, हमारे साथ 2 बार सोनगढ़ गए, और बहुत हमारे तो बच्चे जो पढ़ते हैं सोनगढ़ में, 7th से 8th, 9th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ जमीन पर बैठ करके और सहज चर्चा करने लगे, ये बताओ बेटा तुम्हें क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत आत्मीयता से उन्होंने उनसे बात की। रही बात उनके वात्सल्य की, तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं तो आज से कुछ साल पहले मैं कुछ भी नहीं था, बहुत कम परिचय समाज में था, उनसे बहुत कम परिचय था। इसके बाद भी उनका घर का गृह प्रवेश हुआ तो उन्होंने बहुत प्रेम से बुलाया, क्योंकि उनकी बहू है प्रिया, वो तो हमारे जबलपुर की ही है, और उनके संबंध जो हुआ प्रिया का सपनी जी के साथ में, उसमें एक कहीं कुछ अंशों में थोड़ा बहुत मेरा भी हिस्सा रहा, सी डी के माध्यम से संजय जी भी जुड़े रहे, तो गश नहीं जाति का रहा। तो पर्सनल व्यक्तिगत रूप से एक निमंत्रण आया और उन्होंने वहाँ अपने कार्यक्रम में आमंत्रण दिया, और न केवल ऐसा नहीं कि बुला लिया हो तो छोड़ दिया जाए, छोटा मोटा ठीक है, बहुत प्रेम बहुत वात्सल्य से उन्होंने सबकी मतलब सेवा की और बहुत प्रेम से रखा। सच में देखा जाए समाज में जो उनका जाना हुआ है बहुत बड़ी क्षति है, इस क्षति की पूर्ति करना सबके लिए असंभव जैसा कार्य है। कैसे काम पूरा हो, कैसे हम लोग रोकेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, भगवान जाने। एक सच में देखा जाए आज सबके हृदय में बहुत दुख है, रंज है, और सभी हम सभी ये कामना करते हैं। और रही बात उनके तत्व ज्ञान की, अंतर तैयारी की, जो क्या गहरा स्वाध्याय, उसको गहरी पकड़ उनकी थी, निस्संदेह रूप से जिन्होंने जीवन में साधना की, तत्व ज्ञान की, इसके बल पर बहुत जल्दी से वेद विज्ञान की और अग्रसर होते हुए अपनी भावांतर की परंपरा का वे अभाव करेंगे, यही मंगल कामना है। बहुत अच्छा विराग जी। मैं कह रहा हूं ना कि पहले तो अभी तो मैंने ये सोचा था एक 10-15 मिनट का हम छोटा सा कार्यक्रम करेंगे, प्रदीप जी अभय जी भाई साहब बोल लेंगे, लेकिन अभी जो हमारे वक्ताओं की लिस्ट बन रही है तो आज समय सार परिचर्चा तो होगी नहीं, इसलिए मैं उसका आग्रह भी नहीं रख रहा हूँ और आमंत्रित कर रहा हूँ विनीत जी को। और इनके बाद में जो हैं
एक हमारे मानमल जी साहब कोटा से जुड़ रहे हैं, उनको मैं निवेदन कर रहा हूं कि वे अवश्य दो शब्द कहें पवन जी भाई साहब के संबंध में, लेकिन पहले विनीत जी कहेंगे और उसके बाद में हमारे जो साथी हैं, पदम जी हैं, रमेश जी हैं, नवल गुंड जी हैं, जगदीश जी हैं, उन सबको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं, लेकिन उनको मैं इसलिए पहले नहीं बुला रहा हूं क्योंकि ये तो हमारे हैं ही, इसलिए जो जो लोग कभी कभी जुड़ते हैं उनको मैं पहले आमंत्रित कर रहा हूं। आइए विनीत जी। जय जनेब, ओम नमः सिद्धेश्वर। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। तो ऐसे ही वक्त के सांचे में बदले हैं, वक्त के सांचे में ढले नहीं है आप, आपने एक वक्त को एक नया आयाम दे दिया, वक्त को अपने अकॉर्डिंग मोड़ दिया, ऐसे हमारे पवन जी भाई साहब। और मैंने 6 साल में अलीगढ़ में रहा और मैं पहले बुलंदशहर DPS में दिल्ली पब्लिक स्कूल में था, जब ये बात भाई साहब को पता चली तो उन्होंने तुरंत मुझे फोन करके उसी दिन बुलाया, उस समय शायद राकेश जी भाई साहब भी वहीं थे, कि मैं उनका वात्सल आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और तुरंत कि आप वहां पर हैं DPS में, आप हमारे यहाँ आइए ना DPS में। और उनको उन्होंने मुझे मंगलायतन यूनिवर्सिटी भी पूरा गाड़ी भेज करके पर्सनल और भेजा कि आप हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में भी यहाँ देखिए, यहाँ पूरी व्यवस्था, मतलब बता रहा हूँ एक जैन के प्रति, उनको ये नहीं पता था कि ये कौन है, क्या है, कैसे है, केवल उन्होंने मेरे नाम के आगे एक जैन देखा और जैन देख करके और बुलंदशहर में है और बस ऐसा करके उन्होंने मुझे वहां से बुलाया। और उन्होंने अपने मेरे जीवन में उनका बहुत 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 उपकार है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। फिर उन्होंने मुझे दिल्ली पब्लिक स्कूल में वहां पर उन्होंने मुझे जॉब दिया संस्कृत का, और हमारे राकेश जी उस समय थे, अभिनंदन जी भी वहीं थे उस समय, तो आप लोगों ने भी मेरा बहुत मतलब उपकार है आपके आपका भी मेरे जीवन में। उनकी मैं आपको एक खास बात बताऊं कि पहले वो विद्यालय देखते थे दिल्ली पब्लिक स्कूल, और उसके बाद उन्होंने वहां से थोड़ा सा विरक्ति ले ली दिल्ली पब्लिक स्कूल से, लेकिन वहां जब भी मैं मिलता था उनसे तो वहां के टीचर जो मेरे साथ काम करते थे दिल्ली पब्लिक स्कूल के, और वो यही बोलते थे कि यार विनीत सर आप पवन जी साहब से मिलते हो एक बार, हमें केवल 5 मिनट के लिए उनको देखना है, हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम उनको देखना चाहते हैं कि वो क्या शख्सियत है जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कैसे किया है। और उनकी बहुत, और जब मैंने ज्वाइन किया उसके पहले भी जो लोग थे वो बताते हैं कि जब पवन जी सर यहाँ पर काम, पवन सर यहाँ आते थे, पवन जी यहाँ काम करते थे हम लोगों के साथ DPS में आकर, टीचर्स के साथ एक अलग ही बात थी। तो उनके अंदर टीचर के साथ काम करना, उनको भी सिखाना, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, आप लोग जानते हैं कहीं बहुत अच्छी इंग्लिश थी, बहुत अच्छा स्वाध्याय था उनका। और एक राजनीतिक पहलू में उनका बताऊं कि जब अब मुलायम सिंह जी आने थे कार्यक्रम में, तो मुलायम सिंह जी का आना कैंसिल हो गया, मुलायम सिंह जी नहीं आए, और उसी समय तत्काल मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव जी को बोला जो कि मुख्यमंत्री थे उस समय कि आप जाइए, मतलब तत्काल किसी प्रशासन को पता नहीं है, अभी नीचे लोग पूरी प्रशासक पूरा आ गया है, पूरा प्रशासन आ गया है, सबको ये लग रहा है कि मुलायम सिंह आने वाले हैं। हाँ, और उसके उसी समय तत्काल चेंज हुआ कि मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव को भेजा है, मतलब मुख्यमंत्री स्वयं आया है, सोचिए, मतलब ये उनका एक राजनीतिक, ये शायद राकेश जी को पता होगा कुछ साल पहले की बात है, ये 5-6 साल पहले की, मतलब मुलायम सिंह जी आने वाले थे और लेकिन मुख्यमंत्री आ गए, मतलब ये उनका एक राजनीतिक, उनका आप वो देखिए कि कितना उनका प्रभाव था, कितना उनको वात्सल्य था हम सबके प्रति, वास्तव में हमने बहुत कुछ, बहुत बड़ी उपलब्धि जो हमको मिली थी वास्तव में हमने खो दी है, लेकिन अभी हम बस उनके एक भव विराम की भावना यहाँ भाते हैं, इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हेलो हेलो बोलिए राकेश जी, आप बोलिए। हमारे, हाँ बोल रहा हूँ भाई साहब, ये विनीत जी ने अभी याद किया अखिलेश जी को, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वो आए थे आधा घंटे के लिए और उसके बाद में 8 घंटे वो मंगलायतन में रुके और इनके पवन जी के साथ में रहे 8 घंटे, मतलब जो है उनने पूरा दिन भर के अपने दूसरे कार्यक्रम जो थे वो कैंसिल कर दिए और उनने कहा मेरे को तो यहीं रहना है, पिताजी का आदेश भी होगा लेकिन पवन जी का भी जो व्यक्तित्व है उन्होंने उनको बांध के रखा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मानमल जी भाई साहब को, और इसके बाद में हमारे साथ में जुड़ेंगे रमेश जी भाई साहब,
जयपुर से, और पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मानमल जी भाई साहब कोटा से। आइए मानमल जी भाई साहब, आप अनम्यूट करिए भाई साहब। आवाज 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 को भाई साहब, वो किस नेम से जुड़े हैं? ये गैलेक्सी M21। हाँ जी भाई साहब, भाई साहब आप अनम्यूट करिए ना मानमल जी। हाँ से बंद हो जाता है। हेलो, हाँ हाँ हो गया, अभी फिर से बंद हो गया। फिर बस वो उधर से बंद हो रहा है, अब आ गया। बोलिए बोलिए। ओम नमः सिद्धेभ्य। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में ऐसे कार्य कर जाते हैं जिनका जो समाज को एक बहुत दिशा भी देते हैं और स्थायी महत्व के अनेक संरचनाएं छोड़ जाते हैं। पवन जी भी मुमुक्षु समाज में और वैसे सामान्य रूप से सारे दिगंबर जैन समाज में एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे। वे स्वप्न दृष्टा भी थे, सृजक भी थे। उनकी जो इमेजिनेशन पावर थी संस्थाएं बनाना और उनको चलाना, वो भी थी। आदर्शों के प्रति भी वो बहुत जागरूक रहते थे। मैं कई बार अष्टानिका पर्व के अवसर पर मंगलायतन रहा और उस समय उनका सानिध्य भी मिला और कई सारी परंपराएं वहां पर उन्होंने मंगलायतन में ऐसी डाली जो सबके लिए विचारणीय है, जैसे प्रवचन को सुनना, नोट्स बनाना और बच्चों को कोई किसी से भी कोई प्रश्न पूछना। वहां प्रवचन शब्द का उपयोग नहीं करके और स्वाध्याय शब्द का उपयोग करना, वो स्वाध्याय कराएंगे। वो नहीं चाहते थे कि हर एक जो है ये कोई भी उसको प्रवचन कहे, स्वाध्याय कराएंगे। विद्वान लोग टेबल कुर्सी पे बैठ कर जो प्रवचन करते हैं वो भी उनको पसंद नहीं था और उनका भी जिनवाणी के प्रति इतना आदर था। मैंने वहां देखा कि जब संजय जी को स्वाध्याय के लिए बुलाते थे तो संजय जी और वो दोनों आमने सामने नीचे बैठ करके और फिर संजय जी से स्वाध्याय करवाते थे। ऐसे अनेक, मैं एक बार मैंने वो ये जो कुछ बैठे बैठे देते हैं उसके बारे में मुझे, मैंने कहा कि भाई ये उपयुक्त नहीं लगता है, तो उन्होंने तुरंत ही अशोक जी से कहा कि देखो ये सही बात नहीं। ऐसे बहुत सारे उनके थे, सृजक तो थे ही सही, वो एक विराट व्यक्तित्व था, वज्र पुरुष थे और संकट मोचक भी थे। किसी के भी आर्थिक संकट हो या अन्य किसी प्रकार का संकट आया, वो टीकमगढ़ का भी दिया, मैं भी टीकमगढ़ पंचकल्याणक में वहां पर उपस्थित था उस समय भी आया, कोटा के पंचकल्याणकों में भी उनका पूर्ण सहयोग रहा। ऐसे विराट व्यक्तित्व को जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है और उनकी मुमुक्षु समाज को जो देने हैं वो भी कई हैं, जिनको वो अभी तो गिना नहीं सकते। बहुत सारे उनका जो है उनका योगदान और उनका जो देन है वो निरंतर मुमुक्षु समाज में आगे बढ़ती रहेंगी, वो चलती रहेंगी और उनसे इस जैन धर्म की उत्तरोत्तर प्रभावना होती रहेगी। और मंगलायतन में जो वहां उन्होंने आदर्श डाले हैं, जो परंपराएं डाली हैं, उन परंपराओं का और मुमुक्षु समाज में भी पालन हो, ऐसी मेरी भावना है। ऐसा कहते हुए मैं उस विराट व्यक्तित्व के प्रति जो मैं पूर्ण अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाई साहब
भाई साहब मानमल जी भाई साहब कोटा से हैं, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मानमल जी भाई साहब बाबूजी के बहुत अभिन्न सहयोगी रहे हैं, साथी रहे हैं, साधर्मी रहे हैं, और इनके उनके साथ में मिलकर के काम किया है। इसी प्रकार से पवन जी को भी जब भी कोई विषय प्रश्न खड़ा होता था वो बाबूजी को बिल्कुल फोन करते थे, आधी रात को भी फोन कर देते थे, उनसे उनसे मिलने के लिए अनेक बार गए, बाबूजी से मिलने के लिए अनेक बार गए। बाबूजी युगल जी शायद मंगलायतन आए नहीं आए, मेरे को पक्का नहीं याद आ रहा है, शायद मेरे को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो है पूरा परिवार, अब ये युगल जी भाई साहब का परिवार जो है, बाबूजी का परिवार और हमारे झांझरी जी प्रदीप जी का परिवार, ये तो बहुत अभिन्न परिवार ही है। हमको मालूम है कि बाबूजी की बेटी प्रदीप जी भाई साहब के यहाँ है, लेकिन बहुत ही बहुत ऐसे संबंध रहे हैं। चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ रमेश जी भाई साहब को जयपुर से, और उनके बाद में हम आमंत्रित करेंगे पदम जी भाई साहब को दमोह से, तो वो तैयार रहे। उसके बाद में नवल गुंड जी को भी बोलना है, इसके बाद में और कोई कहना चाहे तो हम दो दो मिनट के लिए आमंत्रित कर सकेंगे, आप कह सकते हैं। आइए रमेश जी भाई साहब। जय जिनेंद्र सभी को, आवाज आ रही होगी, ऐसा सोचकर मैं बोलता हूँ। द्रव्य रूप कर सर्व छिर परजय छिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपालक हो परजय नये करी गौन। यद्यपि इस सत्य से सभी परिचित हैं और इस सत्य की अभी ज्यादा चर्चा करने का समय नहीं है, पवन जी भाई साहब से व्यक्तिगत परिचय तो मेरा नहीं रहा, कभी उनसे मुलाकात हुई हो ऐसा स्मरण नहीं आता है, लेकिन उनके जगत में देखे गए कार्यों के जरूर याद आते हैं। मैं उनके बारे में एक बहुत बड़ी बात ये महसूस करता रहा हूँ कि वो व्यक्तियों को परखना जानते थे और उनका लाभ लेना जानते थे, और उसका प्रमाण मुझे ख्याल आता है कि अशोक लोहड़िया से लेके आज सचिन जी अकलूत खनियाधाना जो भी नाम कहें उनसे, बीच में और सभी हैं, राकेश जी भाई साहब रहे हैं, कल्पना बेन का लाभ मिला है, संजय जी का लाभ मिला है, वो उनने उनको परखा भी और उनका भरपूर लाभ भी लिया, जिनके कारणों को सामने देखते हुए ये सब संस्था प्रगति कर पाई। टीकमगढ़ मौ की घटनाएं बातचीत हो चुकी है, सामंजन समाज में एकता के वो बहुत बड़े सूत्रधार थे। स्वामी जी के वियोग के बाद सोनगढ़ से हम अपने को और सोनगढ़ हमारे से हम ऐसा अलग थलग अनुभव करने लगे थे, मैंने ऐसा लगता था कि सोनगढ़ एक बिल्कुल सीमित दायरे में सिमट के रह जाएगा, जो भी उनके कर्णधार हैं वो वहीं तक रह जाएंगे, लेकिन पवन जी के आने के बाद समाज में सोनगढ़ एक प्रकार से पूरी समाज में वापिस जिस सिरमौर के साथ खड़ा हुआ था वो हमारे अनुभव में आने लगा, हमें उसका महत्व और उसकी प्रतिष्ठा हमारे चित्त में पुनः स्थापित होने लगी। ये बहुत बड़ा उनका कार्य मेरे को भाषित भी होता है और उसका मुझे लाभ भी भाषित होता है। एकता और वात्सल्य की तो क्या बात कहें, बहुत चर्चा हो भी चुकी है और वे उसके सूत्रधार भी थे। मंगलायतन तीर्थधाम हो या यूनिवर्सिटी हो, ये उनके जीते जागते कार्य के प्रमाण हैं, प्रभावना के जीते जागते प्रमाण हैं। बहुत कुछ तो क्या कहूँ, उन्होंने जो वहाँ गुफा बनवाई है मुनियों की समाधि स्थल के रूप में मंगलायतन में, आप सबने देखी भी होगी, नहीं देखी हो तो एक तरफ देखने का चाहिए, वो उनकी एक भावना बताती है कि हमारे मुनियों के जीवन कैसे होते हैं और हमें किस प्रकार से मोक्ष मार्ग अपना पूरी तरह प्रशस्त करना है। वो उनके
रमेश जी हमसे डिस्कनेक्ट हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो है बहुत सारी उनकी उपलब्धियां गिनाई। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं, अभी जो नव निर्माणाधीन है, जो चिदायतन बनने जा रहा है हस्तिनापुर में, उसकी भी जो योजना है वो अत्यंत विराट योजना है और बहुत मतलब बड़ी जगह भी उसमें एक्वायर की है, करीब मेरे अंदर 25-30 एकड़ जगह उसके लिए ली गई है और बहुत विराटता से उसका कार्य, उसका जो जब अपन नक्शा देखते हैं, कुछ उनने एक कोई कौन सा वो बनाया था एंटर करने का, वो भी देखते हैं तो बहुत ही सुंदरतम वो रचना बनने जा रही है, स्वर्गीय अनुभूतियां होंगी उसमें। आइए पदम जी, और इसके बाद में हम नवलगुंड जी को सुनेंगे, और हमारे साथ में देवलाली से दिलीप भाई भी जुड़े हैं, उनको भी हम सुनना चाहेंगे। आइए पदम जी, आइए पदम जी। एक असंख्य अनादि अनंत अनंतानंत स्वरूपेनिमं भगवन्ताये नमः। अभी पवन जी के प्रति सब लोगों ने जो संस्मरण सुनाए उसमें मुझे एक बात तो ये समझ में आई कि श्रीमद जी कहते थे अपनी आत्मा के लिए कि आत्मा सुख का दाता है अस्थि से और नास्ति से और दुख का हरता है, अर्थात भय भंजन भगवान, ऐसा वो अपनी आत्मा को कहते थे। आत्मा दुखों का भय निवारण करने वाला होने से भय भंजन भगवान है। ऐसी पवन जी ने पहला तो टीकमगढ़ का मोक्षों का संकट निवारण किया, दूसरा एक अमायन की घटना घटी थी उसका भी उन्होंने निवारण किया, और जैसा कि रागीश जी ने योगेश जी के प्रकरण को भी बड़े आराम से सॉल्व करने के लिए कहा। कहने का तात्पर्य ये कि पवन जी मोक्षों के भय भंजन भगवान थे, तो मोक्षों के भयों को दूर करने में समर्थ थे। और मेरे पुत्र का जन्म तो 2001 में हुआ, इसके पहले इसकी नींव डल चुकी थी मंगलायतन की, उसके पहले विधान में मैं गया हुआ था जहाँ जमीन ली गई थी उस समय, उसके बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ, तभी मैंने ये दृढ़ निश्चय किया था कि जब ये मंगलायतन बन के तैयार होगा तब मैं इसमें जरूर पुत्र का नाम लिखाऊंगा। और 7 साल मेरे कैसे कटे कि मैंने कक्षा 7वीं पास करने के बाद बच्चे का नाम वहां लिखाया और वहां पर सिलेक्शन भी हो गया, और पवन जी से मैं आशीर्वाद अपने पुत्र को दिलाने के लिए उनके पास पहुंचा, तो बड़े प्रेम से वो व्हील चेयर में उस समय चलते थे, अस्वस्थ थे, तो पुत्र से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो बोले आप तनुशील, तो बोले बाबूजी मेरे से इतना लंबा नाम लेते नहीं बनेगा, मैं तो तुमको आप तक कह के पुकारूंगा, इतना वो बच्चों को स्नेह देते थे। और वो स्वार्थ है प्रेमी की जो बात रागेश जी ने कही कि वो कोई मात्र धनाढ्यता में भी मैं ही प्रसिद्ध रहे, ऐसा नहीं है, उनका अंतरंग स्वाध्याय भी था, ये बात तो अलग थी, पर स्वाध्याय प्रेमी वो बहुत जरूर थे। इसकी मिसाल मुझे कब देखने में आई, जब मेरा बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं पास कर चुका और मैं उसे वापस लेने के लिए आया, तो मैं ने कल्पना बहन के पास गया, तो वहां पर पवन जी भी उनके स्वाध्याय का लाभ ले रहे थे। उस समय मेरे को तो एक सामान्य प्रश्न था और विशेष प्रश्न भी यह था, वो कहना चाहिए, मैंने कल्पना बहन से कहा कि आपने चेतन दास जी की जो टीका वो अनुवाद किया है उसमें उन्होंने लिखा कि असंख्यात परमाणु ऐसे होते हैं जो त्रिकाल शुद्ध होते हैं, तो मैंने कहा कुछ जीव ऐसा मानते हैं कि कुछ जीव अनादि से सिद्धालय में विराजमान है, कुछ अनादि सिद्ध होते हैं, कुछ सारी सिद्ध होते हैं, तो किशन जी अलवल वाला ने वो गलती तो अपने स्वीकार कर ली थी कि नहीं कोई भी अनादि सिद्ध नहीं होता, भले प्रवाह अपेक्षा से अनादि काल रहा हो पर सब संसार पूर्वक सिद्ध बनते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि कुछ परमाणु अनादि काल से शुद्ध होते हो, तो कल्पना में अड़ गई, नहीं आपको माननी पड़ेगा, आगम में लिखा है
फिर बाद में जिज्ञासा समाधान मुझे मिला कि भाई नहीं, दो प्रकार की विचारधारा इसमें चलती है। कुछ ऐसा मानते हैं कि परमाणु अनादि शुद्ध होते हैं, कुछ ऐसा मानते हैं कि नहीं वो स्कंद पूर्वक बनते हैं। ये प्रकरण तो बात का है, मुझे इसमें ये कहना है कि पवन जी ने कहा कि आप मेरे पिताजी को पहचानते हो, मैंने कहा पहचानते नहीं है, मेरा नाम मात्र सुनकर के मेरे अभाना गांव में भी आए थे, वहां पर 3 दिन रहे हुए थे और उनने क्लास चलाई थी, उसके पहले उनने मेरे को पत्र लिखा था कि मैं आपके यहाँ रहने 3 दिन क्लास चलाने के लिए आ रहा हूँ, तो उन्हें भले प्रेम से कहा पत्र मेरे को देना, मेरे पिताजी का लिखा हुआ पत्र मैं चाहता हूँ। तो लोक में कहावत प्रचलित है कि बाप से बढ़ के बेटे, मतलब कैलाश जी के उस तत्व ज्ञान को पवन जी ने साकार करने के लिए इतना बड़ा संकुल प्राप्त बना दिया। तो सोनगढ़, उसके बाद जयपुर, उसके बाद देवलाली और चौथे नंबर का संकुल हुआ मंगलातन, पांचवा का आत्मार्थी टेस्ट हुआ, फिर बाद में और भी भोपाल का बना ज्ञानायतन, और उसके बाद कोटा का बना, बांसवाड़ा बना, और अभी नागपुर में भी राकेश जी के द्वारा बनने जा रहा है ज्ञानायतन वगैरह। तो कहने का तात्पर्य ये कि गुरुदेव के प्रभावना युग में, जैसे क्या नाम से छोटे दादा युगल जी, लालचंद भाई और राकेश जी जैसे अभय कुमार जी के नाम प्रचलित हैं, ऐसे पवन जी का नाम मैं तो कहता हूँ कि गुरुदेव के प्रभावना युग में बच्चों के लिए कि पहली प्राथमिक टीम मंगला से तैयार होती है, फिर वही टीम जयपुर में जाकर के शास्त्रीय विद्वान बनते हैं। तो ये गुरुदेव के मार्ग को पंचम काल के अंत तक चलाने के लिए इस प्रकार के संकुल तैयार किए, और ये ज्ञान गोष्ठी के माध्यम से तो राकेश जी ने तो कमाल करके दिखा दिया कि लोगों के लिए हम मुक्ष एक हो जाते हैं। मुक्ष भाई साहब, और बहुत सारे जन को बोलना है, आइए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, बस 2-2 मिनट का समय ले लें, अधिक ना बोलें प्लीज, कृपा करके। समय हो गया है अपन 7:30 का अपना टाइम है, 7:45 बज गया है। मैं नवल गुंड जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, इसके बाद में हमारे साथ में मैं दिलीप जी शाह देवलाली को आमंत्रित करूंगा, ऋषभ जी दमोह और पंकज जी खड़ेरी। चलिए आइए, 2-2 मिनट का आपको समय है, आइए बोलिए नवलगुंड जी। भाई साहब अनम्यूट करिए, भाई साहब आपको। सुन रहे हैं अभी आवाज आ रही? हाँ आया 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 आवाज। हाँ, जय जिनेन्द्र राकेश जी पंडित जी। मैं बोलिए बोलिए पवन जी के पहले उनको श्रद्धांजलि करके मेरा 2-3 पॉइंट बताऊंगा। बात कड़वी मगर सच है, मृत्यु ही जीवन का सत्य है। वाह वाह। बाद में उनका उनके बारे में उनका वात्सल्य और प्रभावना के बारे में मैं बहुत इम्प्रेशन हो गया, मेरा फैमिली और मैं। वो वात्सल्य कैसा था उनका, मैं नहीं जा पाया था, मैं ड्यूटी में रहता था उधर, फिर मेरे बच्चों को, मेरा बच्चा आर्मी में था, उनको भेजा था आप शिविर अटेंड करो जाके, कभी भी नहीं जाते तो मंगलायतन में जाके अटेंड करो। फिर ये धर्म में था, आर्मी में था, फिर इनको शिविर अटेंड करने के बाद 2-3-4 दिन के बाद मालूम हो गया, ये पीछे बैठते थे, ये लंबा था, ये देखते रहते थे ये क्या कर रहे हैं, इसका पूजा वगैरह सुबह से देखते रहते थे। फिर ये कौन है ये पता करना है, फिर संजय जी थे उस टाइम में उधर, संजय जी से पूछा वो कौन है पता करके आ जाओ। फिर उन्होंने बोला वो आर्मी में है, 1st Maratha Light Infantry में, वो मेजर साहब है। अरे यार उसको आगे बुलाओ। फिर उसको बुलाया, फिर उनको नेक्स्ट डे उनको आने के लिए बोल दिया, सभा में आप आ गए वाके बैठा, कल मैं भी आपके साथ बैठूंगा। मेरा लड़का ने बोला वो ऊपर बैठते नहीं थे, उनका इतना ये था सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम जैसे ही था, वो कभी भी उन्होंने हार वगैरह स्टेज में जाके नहीं पहनाया,
मैंने किया, वो अहम बुद्धि भी नहीं था उनका, मेरा बेटा बोलता था, ऐसे ऐसे आदमी को नहीं देखा मैं। फिर उसके बाद उनको उनको सत्कार वगैरह किया, वो तो बात अलग है। फिर उनको उन्होंने घर में बुलाया, घर में बुला के उनको खाना वगैरह खिला दिया। फिर मिसेस वगैरह, मेरा मिसेस भी गई थी, वो उनके साथ वगैरह खाना खा लिया, उसको परिचय इतना हो गया। आप बता रहे थे ना, हम 8 साल उधर थे, वो भाई जैसे ही हो गए थे, वो हमको खाना खिलाते थे, आप उनको खिलाते थे, वैसे हो गया। फिर आप तो 2 ही मिनट दिया है, उनके बारे में तो बहुत बोल सकते। फिर बाद में मैं गया, अभी अभी भी याद रखा था उन्होंने, मैं जब एक शिविर रखा था दीपावली में, मुझे नियम सार के बारे में वो ब्रह्मचारी हेमंत भाई का था, वो ये खत्म होने के बाद 5 दिन वो लेने वाले थे, वो कैंसल हो गया। मैं टिकट वगैरह बुक नहीं किया था, मैं बीच में पवन जी के साथ ऐसे परिचय हुआ था। बाद में वो जब कैंसल हो गया ना, हेमंत भाई ने बोला आप क्या करोगे, इधर ही रहो आराम से, पवन जी वगैरह वो डिस्कशन करते रहते साथ में रहो। फिर मैं रुक गया, रुकने के बाद वो व्हील चेयर में आते थे, उधर कल्पना दीदी भी रहती थी, उनके साथ चर्चा करते थे। फिर हमका ऐसा डिस्कशन होता था। फिर एक दिन हमको बुलाया, उन्होंने बोला आपको मिसेज को मैं देखा हूँ, हाँ ये आप कौन है, बाद में मेरे से पूछा, मैं ऐसे ऐसे हूँ। अरे भाई आप तो प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया, 3-4 प्राइम मिनिस्टर का इम्पोर्टेंट बात तो बताओ, मुझे भी सुनना चाहिए। वो तो नहीं बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है, कभी मौका मिला तो आपको भी सुनाऊंगा फोन में। फिर उन्होंने हमको लेके गया, मिसेस वगैरह को परिचय किया। नहीं नहीं दीदी, आपका मैडम बहन जी, आपके हाथ से आपका घर में एक बनाते हैं ना कर्नाटक का, क्या बनाते हैं, वो स्पेशल बना के खिलाना है मुझे। उन्होंने पूछा, वो हमारा वो चुरमरी बोलते ना, चुरमरी कनाडा में बोलते हैं, वो चूड़ा 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 और एक तरह का उसको, और मिर्ची बना के उसको खिलाया। आइए भाई साहब, बहुत अच्छा लगा उनका। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आपके, बहुत अच्छे संस्मरण हैं, और उनके साथ में बहुत अच्छी वास्तव में सबकी आत्मीयता बन जाती थी। मैं अभी एक बात बताना चाहता हूँ, जिनागम सार के नाम से उन्होंने एक बहुत बड़े स्तर का काम किया था, जिसके लिए वो 10-10 घंटे, हमारे शिखर जी भाई साहब ने जैसे याद किया था उनकी जिनवाणी प्रेम को, 10-10 घंटे वो उस काम के लिए बैठते थे, और भाभी जी जो आशा भाभी हैं और पूरा परिवार है, तो वो सब जो हैं उनके उसके लिए उसमें इतना सहयोग करते थे, और उनको बिल्कुल हर बात की वो देते थे, और एक बड़ा ग्रंथ तैयार हुआ, ऐसा 1000 पेज का बड़ा ग्रंथ मोक्षमार प्रकाशक के साइज में, उसके अभी जो है 1st एडिशन छपा था, 2nd एडिशन भी शायद छपा, लेकिन उनने बहुत मेहनत करके उसको वास्तव में तैयार किया था। मैं उसके बारे में आपको जरूर बताना चाहता था। आइए हमारे साथ में जो हैं दिलीप भाई देवलाली से जुड़ रहे हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। भाई साहब बस 2 मिनट के लिए आइए। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र भाई साहब, जय जिनेन्द्र। आदरणीय पवन जी के प्रति तो सब लोगों की श्रद्धांजलि सुनी, और उनके व्यक्तित्व के बारे में खूब खूब अभी भी मालूम पड़ा, और मुझे उनके साथ परिचय करने का मौका मिला, और वाकई में उनमें एक इस प्रकार का एक चुंबकीय व्यक्तित्व था कि वो सबको अपने बना लेते थे, और सबके साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे उनके साथ मतलब बहुत ही निजी संबंध है। और जब जब भी मौका मिला, 5-7 बार उन मंगलायतन जाने का मौका हुआ, और भी जगह मिलना हुआ, तो हर जगह उनका जो व्यवहार था वो तो खूब अपनत्व के साथ में और वात्सल्य भरा रहता था। और मैं वाकई में और भी उनके सारे बहुत सारे सद्गुण मुझे अभी भी याद आते हैं, तो मैं अभी समय के अभाव देखते हुए मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। आप मंगलायतन कब आए, मेरे को जो है ना याद नहीं आ रहा है, मेरे सामने आए थे
जी 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 आपके घर भी आते गया हूँ भाई साहब। क्या बात है। हाँ पंचकल्याण से, पंचकल्याण मुझे आया था और उसके बाद में अनेक बार आना। हाँ पंच का जी 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 पंचकल्याण में भी। जी भाई साहब मैं पंकज जी खड़ेरी को आमंत्रित कर रहा हूँ और फिर ऋषभ जी दमोह कहेंगे और हमारी स्वर्णलता जी का भी बहुत तीव्र मन हो रहा है इसलिए अंतिम वक्ता के रूप में हम स्वर्णलता जी को सुनेंगे। हाँ पंकज जी आइए। अनम्यूट करिए आपको। ओम नमः सदेव्य। जो होना है सो होने दो, होने को स्वीकार करो, कर्तापने का भाव न लाओ, निजित का पुरुषार्थ करो। आदरणीय पवन जी के बारे में जैसा सबने विचार व्यक्त किए हैं, 2003 में मैं महाविद्यालय में पढ़ रहा था, उसी समय पवन जी का पंचकल्याण की पूरी रूपरा के लिए जयपुर आना होता था और वो प्रवचन हाल में बच्चों से बात करते थे, तभी से एक आकर्षण बन गया। और शास्त्री द्वितीय वर्ष में भाई जी मुझे 2006 में पंचकल्याणक में ले गए, 12 में भी मैं साथ में रहा। ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व मैंने पूरे भारत में नहीं देखा, वास्तव में आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। नियम संयम और समाधि पूर्वक देह का त्याग जो किया है वो आदर्श है और दूरदर्शिता। स्टोर रूम में छोटे दादा बैठे थे तो उनकी नब्ज देख के बताते थे कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा जा रहा है, मतलब हर चीज की एक छोटे से बड़ी भी फर्क, भोजनालय की पूरी उनकी पैनी नजर रहती थी। और सबको मेरे को जितने बार भी मिलते थे, और बेटे ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, फिर ऐसा लोहारिया जी से मैं बराबर संपर्क में रहता था, उनकी जो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उन्होंने कहा बेटा तुम यहीं आके देखो। तो 2020 में मैं अगस्त के सेवन के पहले जयपुर जा रहा था तो वहाँ अलीगढ़ गया, उनके रूम पे गया, 20 मिनट तक सीडी बची थी गुरु श्री की, वो सीडी सुनी, बोले सीडी अपन सब सुनते हैं। उसके बाद करीब 20 मिनट मेरे से बात की उनने और बहुत स्नेह दिया। उनसे मैंने कहा जैसे स्मारक के प्रति श्रद्धा है वैसी मंगलायतन और सब संस्थाओं के प्रति रहती है और आपके मन में एक आकर्षण और आपके प्रति श्रद्धा बनी रहती है। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। तो इस प्रकार से बोले स्मारक और मंगलायतन में कोई अंतर नहीं है, इस प्रकार की उनकी भावना थी। और वास्तव में पंचकल्याण का जो स्वरूप सुधरा है और मुंह बहुत बहुत ऊंचाई दी है सोच है। और जिनागम में धन्य मुनि जैसा मुनि मुनि धर्म, क्योंकि जिनागम का प्राण है उससे मुनि से मुक्ति होती है, तो धन्य मुनि जैसा बनाई। एक एक प्रकार से उन्होंने बारीकी से बहुत सारे काम किए और अभय जी ने और विराग जी ने संबंध में बहुत सारी बातें कही। तो मेरा तो व्यक्तिगत है ये 20 साल, कई बार 7 बार करीब मंगलायतन जाने का मौका मिला और दोनों पंचकल्याण में रहा, उनको बहुत बहुत पुण्यांजलि, सभी लोग उनके आदर्श पर चले ऐसी मंगल भावना है। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपने पंकज जी ने अपना परिचय बताया, उनका परिचय कैसे हुआ, 5-7 बार ये मंगलायतन गए। बहुत मैंने मंगलायतन का आकर्षण भी वास्तव में वैसा ही है। जब मुलायम सिंह आए थे वहां पर तो सबसे ऊपर आदिनाथ भगवान की पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके जब उन्होंने मंगलायतन का विहंगम दृश्य देखा था तो मुलायम सिंह के ये शब्द थे कि भाई साहब ऐसा एक मंगलायतन आप हमारे कौन सा उनका गांव है जो प्रसिद्ध है ना, सेफई है, सेफई सेफई हाँ सिर्फ हाँ है, तो वहां बोले हमारे यहाँ एक बनवा दो, एक ऐसा ऐसे ही मंगलायतन आप वहां पर बना दो। चलिए आइए, मैं ऋषभ जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आइए ऋषभ जी। सभी को जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र भाई साहब, आ रही है भाई साहब, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। मेरा बालक भी मंगलायतन में सेकंड बेंच में पड़ा है। उस समय क्या है कि मैंने बच्चे को लेके गया तो 17वें नंबर पर था, 15 बच्चे लेने थे, तो बोले कि अपने बच्चे को आप ले जाइए और हमको जरूरत पड़ेगी तो मैं कम आएंगे बच्चे तो मैं ले लूंगा। नहीं सर, मैंने बोला कि मेरे को तो यहीं खाना है क्या हो, और मैं बच्चे को छोड़ के उनके भरोसे छोड़ के आ गया था। और फिर मैं रखी था और जब तो थोड़ा दबा दबा रहता था तो वो सोचते थे कि ना पड़े, और उसने जब परीक्षा दिया सर उसमें सबसे टॉप में रहा हर चीज, और
भाई साहब को बहुत कहने, मैं तो ये कहता हूँ कि जो ने संस्था बनाई है ऐसी संस्था चलती रहे और आगे उनका कोई जगह ले ले पवन जी जैसा कोई हाथ उसने लेते और वो संस्था ना टूट पाए, ये सबसे बड़ा उनके किसी के इंतजाम के लिए। जितने भी विराट व्यक्तित्व तो हमारे बीच में से जा रहे हैं, मुमुक्षु समाज में से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि उनके सब्स्टिट्यूट कम से कम उतने तो बन ही जावें, उतने तो बन ही जावें जो उनके काम जो हैं, उनके किए हुए जो काम हैं उनको संभालें और नए नए कामों के प्रति अपना दूरदर्शिता पूर्ण ढंग से सोचें। ये जो है बहुत जरूरी है और मुमुक्षु समाज के उत्थान के लिए भी और अपनी आत्मा के उत्थान के लिए भी। अब मैं अंत में स्वर्णलता जी को आमंत्रित कर रहा हूं और जैसा कि हमारी परिचर्चा की का नियम है कि अंत में हमारे पवित्र जी सार संक्षेप प्रस्तुत करते हैं, तो वे आज की गोष्ठी का भी सार संक्षेप प्रस्तुत करेंगे। आइए स्वर्णलता जी। जय जिनेन्द्र। आज हृदय विदारक आदरणीय भाई साहब का वो नहीं रहे ये बात सुनकर मन दिन भर से बहुत ही उनके साथ रहे हुए 8 वर्ष मानो चित्रपटल पर पुनः पुनः स्मृति में बने हुए हैं। मैं कुछ बातें आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ जो अभी तक की चर्चा में नहीं आई हैं। मुलाकातें तो बहुत हुई और मंगलायतन में रहते समय या जब भी हम गए हैं तब भी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हम भाई साहब के साथ हमने चर्चा ना की हो या स्वाध्याय में साथ ना बैठे हो। और एक बात बताती हूँ, जब हम सबसे पहले मंगलायतन पहुंचे 2002 में तो भाई साहब ने मुझसे कहा, बहन जी आपको मैं काम सौंपता हूँ। मैंने कही है भाई साहब, तो बोले आपको एक ब्रह्मचर्य के ऊपर कुछ पॉइंट्स बना के मुझे देना है कि ब्रह्मचर्य का स्वरूप क्या है, ब्रह्मचर्य धारण करे कोई तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने कहा, तूने भाई साहब इसके लिए तो समय लगेगा मुझे। बोले ठीक है, आपको कितना समय चाहिए? मैंने कहा मुझे कम से कम 1 हफ्ता चाहिए। तो बोले ठीक है। अब जब दूसरे दिन 1 हफ्ते के बाद तुरंत भाई साहब मिले, बोले बहन जी पत्र, मैंने भाई साहब ये तैयार है। मैंने 6 पन्ने का एक पत्र बनाकर उनको दिया और मुझे पता नहीं था कि उसके करीब 6-7 महीने बाद ही ये खबर आ गई कि आदरणीय पवन जी भाई साहब ने भगवान पार्श्वनाथ के टॉप पर सम्मेद शिखर में लोहाड़िया जी के सानिध्य में ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया है। कहने का मतलब ये है कि वो जो भी काम करते थे वो उसकी इतनी प्लानिंग करते थे कि कितनी उसमें छूट रखना है, कितना क्या। उस समय तो स्वप्निल का विवाह भी नहीं हुआ था और उसके पहले की ये सारी घटनाएं हैं। तो उसके बाद उन्होंने कुछ छूट रखी थी कि भाई अभी अपना ही बेटा अभी विवाह नहीं हुआ है तो कितनी छूट रखना है, क्या करना है, उस हिसाब से उन्होंने मैंने भाई साहब ने ये उनकी ये बात मुझे इतनी अंदर घर कर गई कि आप जो भी करो वो दूरदर्शिता से काम करना चाहिए। और घटनाएं तो इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक घटना बताती हूँ कि पता नहीं ऐसे ही मेरा मन हुआ कि जब पहला पंच कल्याणक हुआ और उसका वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था तो भाई साहब ने अनायास मेरे से पूछा कि भाई जितने इंद्र इंद्राणी बने थे वो सब तो आ गए हैं, बस एक नहीं आया है, बहन जी आप इंद्राणी बनना चाहेंगे?
मैं भाई साहब जरूर चाहूंगी। तो उन्होंने मुझे वो अवसर दिया। और जब दूसरा पंच कल्याणक हुआ तो हमने खुद से ही कहा भाई साहब इसमें हमको तो इंद्र इंद्राणी बनना है। लेकिन वो तो बहुत बड़े बड़े लोगों की चीज थी, पर भाई साहब ने उस समय तो कहा ठीक है हम जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम मंगलायतन आने के लिए तैयार हुए, नागपुर स्टेशन पे उनका फोन पहुंचा, बहन जी आपकी भावना फलीभूत हुई और आपको यहाँ एक सरप्राइज मिलने वाला है, आप स्टेशन पे पहुंचो, मैं आपको अलीगढ़ जब आप पहुंचोगी ना वहां एक सरप्राइज दूंगा। जब मैं वहां पहुंची तो बोले आप 5वें नंबर की इंद्राणी बन गई और इतने स्वयं भी प्रसन्न हुए। मैंने किसी की छोटी छोटी खुशी में वो कितनी अपनी प्रसन्नता देखते थे। मैंने उनका जीवन एक आदर्श जीवन है और जिसको हम सबको देखने के लिए बहुत नजदीकी से हमने देखा है। बहुत बड़ी 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 मीटिंग करके आते थे और समझ लो हम तो बाहर से आते तो हम बहाना बनाते कि हम तो थक गए हैं और आराम करने लगते हैं, लेकिन भाई साहब को मैंने देखा है वो जब भी आते थे और बढ़िया हाथ पैर धोकर, और उनके स्वाध्याय भवन था अलीगढ़ में और वहां आकर बस बैठ जाते थे और चर्चाएं दो दो घंटे चर्चा शुरू होती थी, मैंने रहती थी। भाई साहब का इतना अधिक स्वाध्याय प्रेम मैंने आज तक किसी का देखा नहीं। इतनी बीमारी में, इतनी व्यस्तता में, और उससे भी अधिक बात यह है कि जितना उन्होंने जिया है अपने परिवार को उतना ही दिया है। अभी अभी दिल्ली से एक हमारी बहन आई, उन्होंने बताया कि अभी सचिन जी जो पंडित जी वहां रह रहे हैं और वो स्वप्निल जी को वहां मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा रहे हैं और स्वप्निल जी भी बहुत रुचि पूर्वक पढ़ रहे हैं। ये तो स्वप्निल जी की बात हुई, जो उनके छोटे छोटे पोते हैं ना वो भाई साहब की एक एक चीज को ऐसे फॉलो करते हैं। इतना अच्छा परिवार का वातावरण और भाभी जी की सहृदयता, जो प्रति समय इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में वो इतनी स्तंभ के समान बिल्कुल उनकी छाया की तरह रहती हैं और सबका सहयोग करती हैं, इस प्रकार की भावनाओं के साथ मैं आज की अपनी बात को यही विराम देती हूँ। विनयांजलि प्रदर्शित करती हूँ। बहुत भावुकता के साथ में स्वर्णलता जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए। वास्तव में पवन जी के साथ में जिए हुए जो समय है, हम लोग तो अब और हमारे सब, मैं आज अपना जो ये प्रोग्राम का कोई प्लानिंग नहीं था, सहज ही स्मरण करना था भाई साहब को, उस दृष्टि से अपन ने ये शुरुआत की थी। और अभी देखिए 1.5 घंटे से ज्यादा, 1.25 घंटे हो गए हैं और हमारी चर्चा चल रही है। अब मैं इसको पूर्णता की ओर ले जाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ पवित्र जी को। और कुछ कुछ बातें आपको ये बताना जरूरी है कि जैसे अभी ब्रह्मचर्य का प्रसंग याद किया स्वर्णलता ने, अंत अंत में अभी उनका जो जीवन हो गया था, जितने जितने वो शिथिल हो रहे थे उतने उतने उनका जीवन में त्याग आ रहा था, व्रत आ रहा था, व्रताचरण आ रहा था, माने उनका बिल्कुल व्रतियों जैसा जीवन उनका हो गया था। और अंत में भी जैसे उनको बिल्कुल जैसा उनको आभास था, वो उन्होंने अस्पताल वगैरह जाने का कोई उपक्रम नहीं किया और उनका जो भी समाधि पूर्वक उनका देह विलय हुआ है वो सब विधि उनकी घर में ही संपन्न हुई है। और मैं आमंत्रित करता हूँ पवित्र जी को। आइए पवित्र जी। नमस्ते देव्य। अभी हम आप सभी ने जो पवन जी भाई सब के बारे में अपनी आदरांजलि प्रस्तुत की, उसके माध्यम से मैंने उनके जीवन को जो समझा कि उनके जीवन के संबंध में रमेश जी भाई साहब की जो बात थी कि व्यक्तियों को परखना और उनसे लाभ लेने की जो कला थी उनके जीवन की, वो बहुत ही ज्यादा मुझे आकर्षित उस बात ने किया। और साथ में जितना भी आप सभी ने बताया उसके माध्यम से मैंने ये समझा कि उनका यही, उनके सभी प्रयासों का एकमात्र यही उद्देश्य था कि जितने भी साधर्मी हैं
समाज यदि है तो वो भी धर्म की आराधना करे, तो निर्विघ्न रूप से धर्म की आराधना करे, सभी किसी प्रकार का भय कोई प्रकार का विघ्न उनकी आराधना में ना आए। बच्चे भी यदि ज्ञान की आराधना करें धर्म की प्राप्ति के लिए तो वो भी उस आराधना को अपने अध्ययन को एकदम निर्विघ्नता के साथ करें, उनके जीवन में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। पूरी सारे अध्ययन की व्यवस्थाएं जितना आप लोगों ने बताया व्यवस्थाओं के संबंध में कि सारा अपने आप में पूर्ण समर्थ होना सभी चीजें, तो अभी उनके प्रयास आगामी जो भय होंगे या विघ्न होंगे वे तो नहीं है, इसलिए उनके माध्यम से उन भयों का निवारण हो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उनके प्रयास हमें यही प्रेरणा दे रहे हैं जो कि हम अपने प्रकरण में भी हम समझ रहे हैं कि सम्यक दृष्टि निर्भयी होता है। तो हम सभी यदि हमारे सामने आगे कोई भी विघ्न उपस्थित हो तो उनके प्रयासों से प्रेरणा लेकर के हम स्वयं जो हैं निर्भयी रहेंगे और उसी आराधना में बिल्कुल उसी समर्पण के साथ हम लगे रहेंगे जो उनके प्रयासों का उद्देश्य था, और वास्तव में यही हमारी उनके प्रति स्मरणांजलि होगी। और इस प्रकार की श्रद्धांजलि मैं भी अर्पित करता हूं, और इस प्रकार से इस परिचर्चा का सार संक्षेप है। देखिए मैं आपको एक बात ये बताना जरूर चाहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव श्री जिस समय थे उस समय तो वो विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे और श्रेष्ठियों को थोड़ा ठपका लगाते थे और ये कहते थे कि भैया बेचार घंटा स्वाध्याय जोइए, बेचार घंटा स्वाध्याय जोइए। उस ठपके का ये परिणाम निकल के आया है कि आज 40 वर्ष के बाद में हम देखते हैं कि मोक्षु समाज के विद्वान तो विद्वान हैं ही, लेकिन मोक्षु समाज के श्रेष्ठी भी वो अच्छे स्तर के विद्वान भले ना हो लेकिन अच्छे स्तर के स्वाध्यायी रहे। इसलिए जैसे पवन जी भाई साहब का स्वाध्याय हम देखें, वो स्वाध्याय सभा में भी बहुत अच्छा स्वाध्याय कराते थे, मोक्ष प्रकाशक का उनका स्वाध्याय तो प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार से और भी हमारे समाज में जैसे कोटा में हमारे बजाज जी हैं आपके, अभी मैंने अभी यहाँ पर निमिष भाई आए थे उनके साथ में हम मेरे को थोड़ी देर बैठने का मौका मिला, उनका हमने देखा उनका स्वाध्याय बहुत अच्छा है। वो बोले 4-5 घंटे डेली अपना पर्सनल स्वाध्याय करते हैं। अनंत भाई जी का बहुत अच्छा स्वाध्याय है, मैंने मैं वहां पर बेंगलोर में गया था जब वो अपने भभूतमल जी भंडारी थे, वो भी अपना घर छोड़ करके दिन भर यहाँ धर्मशाला में रहते थे मंदिर के बाजू में और स्वाध्याय 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 करते रहते थे। माने गुरुदेव श्री का जो वो ठपका था श्रेष्ठियों को उन्होंने वो जो है उसको भुला दिया और हमारे सारे जो श्रेष्ठी भी हैं वो स्वाध्याय की ओर जो है प्रवृत्त हुए हैं। ये बहुत बड़ी जो है देन है गुरुदेव श्री की और ये समाज की भी, समाज में श्रेष्ठी वर्ग भी स्वाध्याय करे ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कभी 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 तो हमको ऐसा लगता है, मुझे लगता है, मैं अपने जब ये समय सार परिचर्चा में कई ऐसे प्रश्न करणानि योग से कर्म सिद्धांत से संबंधित गुणस्थान से संबंधित आते हैं तो मैं वो बजाज जी को फोन लगाता हूँ, कोटा वाले बजाज जी को फोन लगाता हूँ और उनसे फोन से उनसे समाधान लेता हूँ। कहने का अर्थ ये है कि ये जो है मोक्षु समाज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये आगे भी कायम रहेगी ऐसा हमें पूरा विश्वास है। वसंत भाई जी का इतना तगड़ा स्वाध्याय है मैं आपको बता नहीं सकता। वसंत भाई जी का उनके घर में 20 साल से स्वाध्याय चल रहा है, शाम का स्वाध्याय जो खुद वो कराते हैं उनकी अनुपस्थिति में, और हमारे नीलेश भाई वगैरह हैं वो भी कराते हैं। हमारा ये करेली से अनुभव था वहां पर, वो रहा उतने दिन, उसने भी वहां पर स्वाध्याय कराया वसंत भाई जी की गद्दी पर माने वसंत भाई जी जहाँ स्वाध्याय करते थे उसमें। चलिए अपना ये अपन विराम देते हैं और मैं अंत में निवेदन करता हूँ हमारे संतोष जी को हो तो संतोष जी अथवा संजय जी से निवेदन करता हूँ कि वे जो है समापन कराएं हमारी गोष्ठी का। संजय जी जी भाई, हाँ बोलो भाई, समापन कराओ समापन। जी भाई साहब, अनंत धर्म सत्वमना अनेकात्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता नमो हरिहंताणं
नमो सीताळं नमो आयुरियाळं नमो अज्ञायाळं नमो लोये कवसाहूळं नमो अर्यंताळं नमो सिद्धाळं नमो आयुर्याळं नमो अज्ञायाळं नमो लोये कवसाहूळं नमो अर्यंताळं नमो सिद्धाळं नमो आयुर्याळं नमो अज्ञायाळं नमो लोये कवसाहूळं ओम नमः सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। चलिए हम अब कल अपने समय सार परिचर्चा के अगले पड़ाव पर प्रवेश करें।